बंधु एंड बंदियो है ना, ठीक तो ये गप्पा से बढ़िया तो है चुटकी मेरी कहाँ है कुछ तो है ना चोचू जी जी हम कहाँ तक रखे थे लास्ट में आईसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आईसो साइज ऑफ आयनिक। फर्स्ट थिंग हम ये पूछना चाहते हैं इस टॉपिक शुरू करने से पहले है ना, फर्स्ट थिंग क्या शुरू करना चाहते हैं पूछना चाहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कौन से किसे बीच में बनता है। भैया कोवेलेंट बॉन्ड होता है मतलब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पे, अगर एक इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है मतलब एक नॉन मेटल दे रहा है तो दूसरा भी नॉन मेटल लेने वाला होगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दोनों नॉन मेटल के बीच में और आयोनिक बॉन्ड बनता है एक मेटल के बीच में और एक नॉन मेटल के बीच में। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल मेटल एंड नॉन मेटल ठीक है और नॉन मेटल एंड नॉन मेटल ठीक है। मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है आयनिक और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है कोवेलेंट। कौन सा बनता है कोवेलेंट बनता है। कौन सा बनता है कोवेलेंट। कोई दिक्कत है मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है आयनिक की बेसिक बात अपने क्या होना चाहिए एकदम क्लियर होना चाहिए एकदम क्या होना चाहिए क्लियर होना चाहिए आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। हमारे भांगड़ जी ने कुछ आंसर बोला कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका अर्थ क्या है। देखो ये नॉन मेटल ये भी नॉन मेटल ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है शेयरिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा शेयरिंग हो जाएगा पर ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ये क्या करना चाहता है ट्रांसफर हो जाएगा। बस तो क्लियर ये होना चाहिए किसी किसी बीच में क्या होता है बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत है किसी को थोड़ा सा भी इतना सा भी दिक्कत भांगड़ जी टॉम जी और मेरी चुटकी कोई दिक्कत नहीं ना आगे बताए। चलो मेटल प्लस नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ये बोला कि नहीं भाई हम एक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं हम क्या करेंगे दान देना चाहते हैं ये क्या करेगा इसको दे देगा बोले हाँ हमें तो चाहिए क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है कि नहीं ये क्या बोला ना भाई ना हमको चाहिए ना हम दे क्या करे हम हाँ शेयरिंग करी लेन देन करी क्या करी हम लेन देन करी कोई दिक्कत क्या करना चाहता है ये लेन देन करना चाहता है इसको कौन सा बॉन्ड बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। दिक्कत है क्या किसी थोड़ा सा भी आगे चले तो हम क्लियर है ठीक तुम कहाँ पे थे कहाँ पर थे साइज है ना साइज ऑफ चार्ज स्पेसेस साइज ऑफ चार्ज स्पेसेस हमने तो शॉर्टकट कुछ ऐसा देखे गया था कि सब अक्सर हो जाए क्या बोले थे नेगेटिव चार्ज है इसका अर्थ क्या है बड़ा साइज होगा है ना साइज बड़ा होगा हाँ। अगर पॉजिटिव चार्ज है साइज क्या होगा क्लियर हो गया तो पर सब क्यों हुआ पता है बताइए ज्यादा की कम वेरी गुड सही बताया हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ठीक है तो साइज अब चार्ज स्पेसिस है ना नेगेटिव वाला का क्या हो गया था बढ़ गया था कारण क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है घट जाता है क्यों घट जाता है सुनना ध्यान से ये न्यूक्लियस है क्या है ये न्यूक्लियस है ये आप आउटर मोस्ट मान लेते हैं सुनना ध्यान से एकदम एक ये इलेक्ट्रॉन है ठीक है क्या है ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है एकदम छोटा सा एकदम छोटा कॉन्सेप्ट लेके चलो ना जिससे क्लियर हो जाए बाद में तो थोड़ी क्या होती गाथा पढ़ने के लिए मॉड्यूल और किताब सब है ही है ना ये दोनों आपस में रिपल्सन कर गया क्या कर गया रिपल्सन कर गया दूर भाग गया क्या हो गया दूर भाग गया है ना दूर भाग गया कहाँ भाग गया दूर भाग गया। अब बताओ जैसे दूर भागेगा जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया क्या साथ में रहेगा क्या एक इलेक्ट्रॉन ले लिए हम है कि नहीं है एक मेटल था इसमें अपने आप इसमें इलेक्ट्रॉन था ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया ये
ले लिया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, दूर भाग जाएगा ना, क्या भाग जाएगा, दूर। अब जैसे ही जैसे दूर भागेगा क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा, बस यही कारण रिपेल हो रहा है। इसका अर्थ क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो गया भाई। सब जगह लिखा रहता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन क्यों हो रहा है, पहले से इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, बिगड़ने लगे, तो दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन। आज समझ में आगे बताया जाए, चौथी जी क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट और सेलिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई कॉन्सेप्ट का तो गाथा लगा दे, पर हम फिर तो दिलाते सब होता कि भाई तो कहीं पढ़े थे क्या इस तरह में, थोड़ा बहुत बस सुने, पर इस तरह कोई बोला था कि रिपल्सन क्या बोला होगा सब, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, वो घट जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, तो साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही सुने तो रटा रहता है हर जगह का, हम रटा रहता है, कुछ बताए क्या, हम तो कुछ ऐसा बताए कि जो समझ में आए, है कि नहीं है, जानते हैं भांगड़ जी दूसरा भांगड़ आएगा दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन दूरियां क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी, और भांगड़ी जी अगर आए क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, है कि नहीं है, दिक्कत है क्या, नहीं ना, बस यही बात है ना। अब जो ब्रांडेड वर्ड सुनना चाहते हैं वो भी सुना देते हैं, ठीक है। साइज का क्यों बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण, शील्डिंग इफेक्ट के कारण, किस कारण, स्क्रीनिंग इफेक्ट। जेड इफेक्टिव जो है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यही जो कथा गाथा मिलता है सब जगह, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो हट के जरूर, और ऐसा चल रहा सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्या पोस्टर मेरा सब लग जाए, कोई दिक्कत है क्या था सभी, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कि जब इलेक्ट्रॉन गेन वगैरह करता है क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, कौन बताएगा, डिक्रीजेस की इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाता है, इंक्रीज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक गेन कर रहा है तो बढ़ेगा की घटेगा, घटेगा कैसे घटेगा, तो रटा रटा है बोल रहे हैं ना, फिर दिलाए क्या सिस्टम है, अभी दिलाए मजा भाई, जो चीज बोले ना कि भैया और कौन सा क्लियर तो कर सकते थे, बोल देंगे ये घटा मान लेते, क्या बोल देंगे ये घटा, साइज बढ़ गया, क्या समझे, क्या समझे, है कि नहीं, अभी बताए क्लास में होंगे तो ध्यान होगा, देखना ध्यान से, कोशिश करो, सिर्फ नहीं मिलने वाला, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा था कि घट रहा था, साइज बढ़ रहा था, हमको सच बताता है, हमको याद ही नहीं है ये चीज कि बढ़ेगा कि घटेगा, डिक्रीज करेगा, हमको ये चीज पता नहीं है बढ़ेगा कि घटेगा, पर कुछ चीज हमको ऐसा पता है तो याद रहे या ना रहे, सोचेंगे तो आंसर हम आ जाएगा, पता है कैसे, लेफ्ट से राइट साइज बढ़ता है कि घटता है, हाँ ये साइज इधर क्या होता है, घटता है, अगर भाई साइज इधर घटता है क्या बढ़ता है, इधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ रहा होता है, क्या हो रहा है, पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, ये चीजें मैंने तो पहले बताया, पर हर जगह बताया भी जाता है, पर इसे कभी कोरिलेट कर पाया था क्या, नहीं कर पाया होगा, देखा बताया भी नहीं होगा, क्या बोले इलेक्ट्रॉन साइज डिक्रीज होता है ना, तो क्या बढ़ रहा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा होता है, मतलब साइज का और साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, हम तो फिजिक्स में बताए थे, इफेक्टिव है ना, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, उसे क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब साइज किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे है ना, अब साइज भी बढ़ रहा था कि घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा ना, क्या बता, फील आया कि नहीं आया, अच्छे से आया समझ में, हम राइट खाली बोलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है तो साइज क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, समझ जाते क्या, कितना देर तक याद रखते, कल कुछ और बता कितना याद रखते, नीचे से आया कि नहीं समझ में आया, तो हम यहाँ से कोरिलेट करके लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, सिंपल सा कोरिलेट कर लेना, इसमें साइज बढ़ रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, उसे क्या कॉन्सेप्ट आया, ये क्या कॉन्सेप्ट आया, साइज इनवर्सली साइज ऑफ गेट ऑन, साइज ऑफ गेट ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कोई बोलो तो रे, साइज ऑफ चार्ज स्पेसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेट इफेक्ट, जेट इफेक्ट का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आया तो समझ में, अब और कोई कॉन्सेप्ट चाहिए क्या, नहीं ना, आगे बताए, दिक्कत है नहीं ना, आगे चले, अच्छे से आएगी, नहीं समझ, किसको डाउट है, ए ढोकला सिंह डाउट है, डाउट बताओ, क्या डाउट,
यहाँ से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हम क्या बताएं कि साइंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि क्लास में हम क्या बताए थे, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं ना तो साइज बढ़ता कि घटता है, साइज लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अरे स्टेप डांस का स्टेप करके दिखाए थे है ना, ये क्या हुआ लेफ्ट हुआ प्लास्टिक है। अच्छा हर बार बच जाता है, नहीं था जो डांस हुआ था कोई बात नहीं, चलो लेफ्ट राइट डांस का स्टेप नहीं करके दिखाए थे, ऐसे रखे थे कहाँ है ना, ऐसे करके क्या किए थे, ऐसे किए थे है कि नहीं थे। अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना है ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट है तो साइज क्या होता है, बढ़ता है क्यों बढ़ता है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ये तो पूरा ब्रांड होगा, तो ऐसा वर्ड बोल के कहते इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या बोल के कहते हम, क्या बोल के बोलते साइज के बोलते, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसका साइज उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना उसका साइज उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा ना साइज उतना क्या होगा कम होगा, और न्यूट्रल का बीच में रहेगा। तो हम बोल रहे क्या आवश्यकता नहीं है कुछ, मेरा बात रहा है काम बढ़ा है बताना, इसका हम इसे क्या करिए बता दिए, वो दिखा गया थोड़ा सा हमें नहीं ना, सबको बोले थे मॉड्यूल पढ़ने के लिए, हम क्या करने बोले थे हम मॉड्यूल पढ़ने के लिए, सारे तो बच्चे पढ़ के आए होंगे, आए ही होंगे ऑब्वियसली आए होंगे सब मेरे है ना, होशियार नौनिहाल सब है ना, बहुत बात मानते हैं है ना। चलिए आगे बताया जाए तो टीचर क्या सो गया, सब बच्चा सो गए है ना, और भी कुछ रीजन से मॉडल तो पढ़ो अच्छे से, आगे बताया जाए, सुना इधर ध्यान से क्या बोल रहे हैं, n माइनस वन n n टू माइनस क्या भाई कॉपी लगा सकता है क्या, क्या हो जाएगा साइज हो जाता है n टू n माइनस, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना बड़ा साइज है कि नहीं है, वेरी गुड यस, n टू प्लस n माइनस टू बताओ सर थोड़ा साइज, n माइनस टू, n माइनस टू, n माइनस टू, n माइनस टू, n माइनस टू हो गया, ये तो है। आईसो इलेक्ट्रॉनिक भी बता दिया था कि नहीं, आईसो इलेक्ट्रॉनिक क्या किए थे बता दिए, क्या था आईसो इलेक्ट्रॉनिक, एक इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, एक क्वेश्चन उनको पूछना है ना, और जितने सारे होमवर्क दिए जाते हैं ना ये बताओ ये बताओ, जब चैप्टर खत्म हुआ एक पेज निकालेंगे, सब रखा हुआ है मेरे पास, सारा डिस्कस कर दिया लेकिन आपको करके रखना है सर, क्योंकि मैं उस दिन पूछूंगा जो नहीं बताओगे कहाँ भेजा जाएगा, काला पानी का सजा दिया जाएगा, चंदन भी जाएगा मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो नहीं बता पाएगा जाके अपना भेस हो जाएगा, बोले की मॉडर्न पीरियडिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आधा पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, और वो क्या बोल दिया था मेंडेलव एटॉमिक वेट बोल दिया था, वही उसका गलती हो गया है ना, अगर वो नंबर ढूंढ लेता तो क्या हो जाता उसी उससे सब कहानी रुक जाता है ना। एक क्वेश्चन दे तो हम देखते हैं कौन कर पाए, आज जो कर पाएगा गबर उसी को हाथ सवाल ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन एसीडी का मतलब क्या है पता है ना, बीच ऑफ द फ्लोइंग है ना, बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन
Correct. Which of the following relation is? Which of the following relation is correct? Which of the following reaction is correct? ठीक है. According to in Moseley experiments. दूसरा रूट अंडर एफ इन टू जेड. तीसरा एटॉमिक नंबर है ना, तभी तो पता चला एक लंबा सा सीधा रेखा उसको दिखा. आम उसको सूझ गया कि एटॉमिक मास नहीं होगा, क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा. क्या होगा? एटॉमिक नंबर. है कि कोई दिक्कत? सबको सही आया तो आगे बढ़े हम. ऐसा कुछ बोले थे रूट वगैरह कुछ बोले थे? मॉड्यूल पढ़ने बोले थे कि नहीं पढ़े हुए? कोई पढ़े नहीं ना, परिणाम दिखेंगे ना, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? हम क्यों बोले, मेरे हर क्वेश्चन में सस्पेंस इसलिए होता है कि भाई एकदम यहाँ पे आना चाहिए. बच्चा ना पढ़ा दिया जाता पूछना है ना, जितना भी कंप्लीट है पूछना कि एफ रिएक्टिव परफॉर्मेंस जेट होता है, रूट एफ रिएक्टिव परफॉर्मेंस जेट होता है. लगभग बोलेगा कि इतना बोल देगा फ्रीक्वेंसी रिएक्टिव परफॉर्मेंस जेट होगा, इतना काम चलने वाला है क्या? काम एग्जैक्ट याद होना चाहिए ना. बताया क्या था? रूट अंडर एफ रिएक्टिव परफॉर्मेंस जेट. ये होता है, ये गलत है, ये होता है. एक्सपेरिमेंट ऐसे ही आया है ना, एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे. हां, एक्सपेरिमेंट करके लाया है. रूट एफ रिएक्टिव परफॉर्मेंस क्या होता है? जेट होता है. क्यों नहीं आंसर दे पाए? क्योंकि बस मेरे बात को सुन लिया, अपन मॉड्यूल नहीं पढ़े लिखाता भी है, पर देखो बोल देता है ना, हमेशा याद नहीं रहता. हम गलत कराए ना, गलत करा के सही कराए ना, अब याद रह जाएगा, है ना? ये बेस्ट तरीका है. आप सही की ओर बोलते, उधर मत देखो, सब किधर देखता है? उधर ही देखता है, है ना? सही किया. रूट है फ्रीक्वेंसी जैक है, पर इक्वेशन देखो क्या लिखे, फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट. भाई फ्रीक्वेंसी बोला था रिएक्टिव परफॉर्मेंस जेट है, पर फ्रीक्वेंसी किसमें था? अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिएक्टिव परफॉर्मेंस टू जेट. रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिएक्टिव परफॉर्मेंस है, ये रिलेशन सही है. ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस याद करने का हल्का है, अपना अपना तरीका है. बोल के तो हम भी निकल सकते, तो वहीं पे दोबारा मेहनत क्यों करते हम लिखने का झंझट? पर चाह रहे थे कुछ भी चीजें ऐसा ना हो जो तुम लोग को छूटे. आए क्वेश्चन है ना, आंख मूंद के सर्कल कर दे भाई, ये तो यही है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े. थ्योरी बता देता है, बताने को सब बताता है, बच्चा याद क्यों नहीं रहता भाई? थ्योरी बताया, गाथा बताया, किसको याद रहने वाला है ना? ऐसा कुछ करके बताओ जो सब याद रह जाए. आगे बढ़े तमाम, ठीक है. टिपिकल एलिमेंट से था, टिपिकल एलिमेंट किसको बोलते हैं? NaMg. दो ही बस क्या बोला जाता है? ठीक है, इसको मेंडेलीव ने क्या कहा था गलती से? फ्रीजिंग एलिमेंट बोला गया, फ्रीजिंग एलिमेंट बोला गया था, है ना? आर के तेरी उठपा वो तो डीमेरिट्स है, नो सवाल वैसे है, वो तो डीमेरिट्स है. उसका मास को पहले रख दिया, ज्यादा वाला मास को, है कि नहीं है? तो दिक्कत है कि आगे बढ़े तो हम अब आए आगे चले. चलिए लगभग बेसिक बेसिक जितने थे. एस ब्लॉक, आप कितना एस ब्लॉक एलिमेंट का नाम बताओ? मेरे क्लास साइंस पढ़े हर कोई एस ब्लॉक एलिमेंट एकदम ना, हर एलिमेंट को यहाँ पे होना चाहिए, होना चाहिए. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन एस ब्लॉक में आता है? नहीं सॉरी सॉरी, आता था लेकिन कब आया? हाइड्रोजन बोलो, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, फ्रांसियम,
ठीक है, दूसरा बोलो बेटा को कुटाई और बेटा का कुटाई, बेटा हमारी देश की बेटियां बहुत आगे कर रही है, लिथियम सोडियम पोटेशियम लोग हम लोग सपोर्ट करना चाहिए, है ना, गर्ल्स को बहुत कम सपोर्ट करता, जहां मिले भाई उसको सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ जिंदगी में, हम लोग पूरा करते हैं, सपोर्ट करता है वेरी गुड, क्योंकि मेरे स्टूडेंट को करना है, एकदम करना है ना, आया तो समझ में, आगे बढ़ा रेडियम सिस्टम फ्रांसियम है ना, आगे चले हम, ये सब इलेमेंट है ना, अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भैया, NS1 और NS2, हाँ ये बात हम सुनना कुछ बोल रहे, ठीक है, एस ब्लॉक जब पढ़ाएंगे ना पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बी ब्लॉक जब पढ़ाएंगे ना पूरा एक्सप्लेन करेंगे, डी ब्लॉक जब पढ़ाएंगे ना पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे, हालांकि जब कोई हाथ याद नहीं कराता हम वो भी कराएंगे, पर यहाँ पे चैप्टर ये आगे बढ़ना, यहाँ पे पूरा जनरल बातें बताएंगे, एस ब्लॉक में एक एक चीज बताएंगे, एस ब्लॉक में क्या बताएंगे, एकदम एक एक चीज बताएंगे, ठीक है, तो बढ़िया हम आगे चलो, एस ब्लॉक इलेमेंट ये होता है ना, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन क्या होता है, हाँ इसमें क्या होगा, पहला ग्रुप है तो S1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, S में जाएगा, क्योंकि S ब्लॉक है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, S में जाएगा, इसमें क्या होगा जनरल NS1, N का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, N का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 है कि नहीं है, कोई दिक्कत है किसी को, N का मतलब जनरल का मतलब होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ाएगा, किसने बढ़ाएगा, S1, इसमें कितना बढ़ाएगा, दूसरा बढ़ाएगा NS2, ये जनरल दिक्कत है, कितना सभी इसमें तो कितना क्लियर है, एकदम हलवा चीजें हैं, ये सब कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़े हम, NS1 देखो जनरल है, देखो लिथियम क्या बोलेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन का, S2 ऐसा में बस ये आगे का नंबर अलग अलग होगा ना, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए क्या है वेरिएबल ले लेते हैं, क्या बोलते हैं एन, एक वेरिएबल एन लगा देते हैं, इसका जनरल का मतलब हमको पता है, कंफ्यूजन होता है क्या भैया एन क्या है भैया, ऐसे क्या है भैया, अरे हम भी तो स्टूडेंट ही हैं, नहीं ना, आगे बताया हम कंफर्म दिक्कत, हम एक चीज पूछना चाहते हैं, सस्पेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए मूवी में जब सस्पेंस क्रिएट तो बड़ा चाहता है, अरे कोई तरीका चलो हमें कुछ बोले थे, पता है कुछ बोले थे हम, मैंने देखा टीम मेरी टूट बोलते तो हम हर चीज है, बस मेरा मतलब ये सुनता भाई कौन है, हम क्या बोले थे वो ना, ये आंसर नहीं कर पाया, सेम इंटरवल का प्रॉपर्टी रिपीट क्यों हो रहा है और सब एक ही ग्रुप में अरेंज कैसे, हाँ बताना है। किया है आप लोग, पर एक बात तो बोले थे, हाँ बोल रहे हैं, बोलिए सही बोल रहे हैं, लाइक एलिमेंट्स को उर्दू सबसे पहले दिया था, हाँ हाँ ग्रुप नंबर 8 और ग्रुप नंबर मतलब इस तरह टू का था, सर आप कोशिश किए हैं है ना, और सुनिए ना अभी, हाँ अभी सुनिए और बोल, हाँ जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, अनलाइक एलिमेंट को ब्रीच जैसे की कॉपर सिल्वर और गोल्ड को प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप अलॉन्ग विद
सोडियम और पोटेशियम। चलिए ठीक है, जय जी के लिए ताली बजा दीजिए। लेकिन हम मेरा रीजन कोई नहीं बताया, पूछे हम सर एक फिर भी हम जो सुनना चाह रहे थे ना, ये क्या नहीं मेंडेलोजी नहीं बता पाए थी सेम टाइम के बाद सेम इंटरवल क्यों रिपीट हो रहा है प्रॉपर्टीज, ये क्लियर अच्छे से नहीं कर पाए। सजाने तो सजा दिए, इसका कैलेंडर इसके साथ मिलेगा इसके साथ, इसके मेरे पर क्यों नहीं बता पाए जय चवन नहीं मुस्कान नहीं कर पाए नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्यों नहीं बता पाए, क्या कारण था, कौन बताया इस चीज को, मेरा यह क्वेश्चन है क्या कारण है और कैपिटल क्यों मिल जाता है, क्यों हो जाता है, मेरा ये क्वेश्चन है व्हाई 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 क्यों है ना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्यों भूल जाते हैं, ये तो यही तो नहीं बताया। तो आप लोग बता, मॉड्यूल तो अच्छे से पढ़े होगे ना, है कि नहीं, आप बताएं, सुनो ध्यान से भाई, पता है यहाँ पे आंसर लिख चुके हैं, बस देखने का नजरिया अलग होना चाहिए, बस एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, है कि नहीं, सही पूछ जा रहे हैं। सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, H1 है, सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या था, सेम था, इसी वजह से क्या हुआ, सबका प्रॉपर्टी मिल गया है, आया नहीं आया समझ, हम आंसर भी नहीं बताया, लिख दिए इसको बताए पहले तब ना आया समझ में, कैसे आए जब क्वेश्चन सीखे तब ना अपने आप आया, यही छोटी छोटी बातें क्या होते हैं, नहीं समझ पाते क्यों प्रॉपर्टी रिपीट होता है, सबका कैरेक्टर क्यों मिल रहा है, सबका आउटर मोस्ट में क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक में तो एक चीज को बताया जाएगा, फिर पढ़ा जाए बस हिट कर दे रहे हैं, आखिर सब में इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, दो सब में क्या होगा, दो ही होगा, क्या होगा, दो होगा, कोई दिक्कत है किसी को, थोड़ा सा भी इसी का इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेम हो गया, ये किसने बता दिया मुझसे, पहले जैसे आया तो सब सब क्या हो गया क्लियर, अगर मेंटली सब नहीं बता पाए थे, कोई दिक्कत है क्या थोड़ा सा भी, हमको बता पाए दिक्कत नहीं होगा, है ना, पीरियडिसिटी का कारण पता चल गया, क्यों रिपीट हो रहा है प्रॉपर्टी, इसके कारण दिक्कत पता चल गया, आगे बढ़े हाँ, कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना, चलिए सबको हम बताते हैं, इसका जनरल बातें बताते हैं, कैस ब्लॉक तो पढ़ाना है ही, पर वहाँ बोलेंगे तो वहाँ आपको कुछ याद रहना चाहिए, मेरा माना जब युद्ध के लिए छेड़े हो ना, युद्ध के लिए पूरा अशोक संहार की तरह बोले है ना, युद्ध नीति हर चाणक्य चाणक्य का भी साथ रहे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, आगे बढ़े ना, चलो एस ब्लॉक में सुनना ध्यान से, मेरा पहला क्वेश्चन जो थ्योरी बता के कौन आंसर करने में अच्छा नहीं लगता है, आंसर करके थ्योरी बताने में ना क्वेश्चन करके ज़्यादा मजा आता है, इसलिए याद रह जाता बच्चे को, अभी हम बता देते हैं लो आनेसन एंथैल्पी के कारण ना इलेक्ट्रॉन भी आसानी से लूज करता है, कब तक याद रहेगा, है ना, अब हम क्वेश्चन क्या देंगे, हम क्वेश्चन क्या देते पता है, क्वेश्चन इन एस ब्लॉक इलेमेंट है ना, इन एस ब्लॉक इलेमेंट क्या बोले बताओ, इन एस ब्लॉक इलेमेंट व्हाई दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, है ना, हाँ दे लूज, देखो अभी हम बोले थे लाइन लेकिन नहीं आ रहा ना याद, अभी तुरंत बोले लाइन हम याद नहीं रहा, क्वेश्चन से करते देखो सब बच्चे आंसर देते हैं, एस ब्लॉक इलेमेंट है ना दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली है ना, व्हाई भैया वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बस एक ये तो सही बात है, कोई ऑक्टेट पूरा करके लिया क्रॉस करता है तो गैन करता है, पर मुझे क्यों लूज, ये आसानी है, मेरा आसानी से कुछ आसानी से क्यों लूज करता है, मेटल है तो भाई दूसरे वाला भी हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्यों है हाई टेंडेंसी, वही तो बोल रहे हैं आप, क्यों है हाई टेंडेंसी, इसको लॉस के इलेक्ट्रॉन है ना, इसीलिए आउटर मोस्ट पर की आउटर मोस्ट में एक ही है, अगर वो दूर रहता तो ऐसा सोचता कि हम ब्रेक ही नहीं दे, ओ वैसा है ना, दूर रहता तो देता ही कर देना पड़ेगा, देता है दो लॉस होता है, लेकिन ये ज्यादा चांस है ना, टेंडेंसी से ज्यादा है, तो क्या करते याद रह जाएगा, हम बता दे एक लाइन में बता, पहले भी बोले ऐसे खड़ा होकर बोले ड्यू टू डेथ, अब नहीं बोलेगा नाम ड्यू टू डेथ है ना, दे लूज है ना इलेक्ट्रॉन लूज इजिली, पहले भी बोले थे लाइन पर आपको याद नहीं रहा ना, अब क्वेश्चन से बोले याद रहेगा, पता है क्यों आयरन का बहुत कम होता है, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी समझे, अब लो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा इसके बाद ही बताया जाएगा, ये सब पहले कर लेंगे ना, एच ब्लॉक थोड़ा सा बी ब्लॉक है ना, उसके बाद हम इसी सब पे आने वाले, जल्दी सब लिखो लिखो फटाफट लिखो जल्दी लिखो लिखो एकदम, क्या बोले इन एच ब्लॉक के लिए मैं दे लूज
they lose electron easily. Why? Due to low ionization enthalpy. Due to low ionization enthalpy. ठीक है? वो दिक्कत है. हमने उस टाइम एक और बात बता रहे पॉइंट लिख रहे थे, वो पोस्टर के फॉर्म में कराया, पॉइंट फॉर्म में याद रहा. ठीक है. दूसरा बात है, नीचे जाते हैं तो मेटालिक रेडियस बढ़ता है कि घटता है? नीचे जाने बढ़ता है. बढ़ता है. अति उत्तम, स्वागवती रहो. नीचे जाएंगे तो क्या होगा? करेक्टर बढ़ेगा. क्या होगा? मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा. है ना? सुनना ध्यान से. है ना? मेटालिक करेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा. ठीक है. दिक्कत है क्या थोड़ा सा? क्या होगा बता? मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा. है ना? तो इसके साथ बताओ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, इसके साथ और क्या क्या बढ़ेगा? मेरा पहला ऑप्शन डिफेक्टिव डिफेक्टिव बढ़ेगा. हम पूछे हैं मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? ऑप्शन दे रहे हैं, ध्यान से बताना. ठीक है. डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. क्या बोला? नीचे बढ़ेगा. नीचे घटेगा. सॉरी, घटेगा. नीचे घटेगा. मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो कौन और इंक्रीज होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. दूसरा ऑप्शन रिएक्टिविटी. तीसरा ऑप्शन बोथ एनपी. चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस. कौन सा व्यक्ति नहीं होता? इसके संबंध क्या क्या बढ़ सकता है? कितना कथा दिखाएंगे? ये होता है, ये होता है. क्वेश्चन से करो, हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा. चलो बताओ बताओ, लेट मत करो, बहुत सारा कराना है अभी. भोपाल सिंह जी, रिएक्टिविटी. हमारे भोपाल सिंह ने रिएक्टिविटी बोला है, कम बजे का साथ दिया भोपाल सिंह. हमें उम्मीद है आपसे कर लीजिए का हकदार हो, आप सब हकदार हो. देखना चाहते हैं और कौन फर्स्ट विजिट का हकदार है ना. चलो और कोई आगे बढ़े. हम हमारे भांगड़ जी ने क्या बोला है? नोटा. टॉम भैया और भोपाल सिंह ने क्या बोला है? रिएक्टिविटी. और कोई? सब न्यूट्रल. सबका सब क्या? न्यूट्रल. आंसर होगा रिएक्टिविटी. वेरी गुड आंसर मैंने. ठीक है. रिएक्टिविटी क्या बोले? रिएक्टिविटी. मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस ऑफ द ग्रुप एंड आल्सो रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस. है ना? लिखे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम होता है, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है, पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव रोडियम होता है. है ना? और एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा मैं. ठीक है. मैं दूंगा NaH2 और KS2. मेरा पहला क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी आंसर आप लोग दे सकते हो. दोनों जल्दी रिएक्शन करके कोड बनाएगा जल्दी. क्यों? ये फास्ट रिएक्टिव करेगा. क्या होगा? इंक्रीज होगा. हार्ड लग रहा है क्या? कैसे कैसे क्लियर हो रहे हैं सारे? आ रहे हैं तो मजे. चलिए, एक ही चीज लिखा है मैंने, सब क्लियर होगा. उससे आगे बढ़ाए हम. इसको मिटा दे. मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस आल्सो रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है. नीचे जाएगा ना, रिएक्टिविटी बढ़ती है, ज्यादा रिएक्टिव माइनस करेगा. नीचे जाएंगे ना, रिएक्टिविटी क्या होगा? बढ़ते जाएगा. ठीक है. आए तो कोई दिक्कत है? नहीं, एकदम क्लियर. मेरे तो आप चले तो आगे चले. दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं. ठीक है, सुनना एकदम ध्यान से सुनना. ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी दे ऑलवेज फाउंड इन, सुनना है ना, हिमांशु मेरा टॉम भैया है ना, बहुत ज्यादा मारपीट करता हूँ, केटीएम अपना निकालता है. चल भाई मेरे साथ है, चोंचू जी ना, चोंचू जी, चोंचू जी करता है ना. और महात्मा गांधी जी को लिए गए थे हम, सहयोग का महात्मा गांधी है ना, ढोलू है ना, हमारा ढोलू है ना. हेलो, आओ रे चार पांच को आओ ना, आओ एक माँ है ना, आओ एक माँ. आया चार पांच को बुलाया था, उधर कितना आ गया? 40-50 आ गया. पकड़ा तुम, घुमाया महात्मा गांधी. फिर दूसरा दिन हुआ,
फिर दूसरा दिन हुआ है ना, ये चार थे, अगला दिन 100 चले गए, वो सब 20 थे, तो कौन कुटा गया? वो धार पार्टी कुटा गया। बताओ कभी अकेला घूम पा रहा था क्या? नहीं नहीं, अकेला कभी घूम पाया ना बेचारा। हमेशा किसमें घुमा? साथियों के साथ में घुमा। किसके साथ घुमा? साथियों के साथ में घुमा। किसके साथ घुमा? साथियों के साथ में। तो कुछ नहीं बताया ना, तो एक रियल लाइफ का एग्जांपल दिया ना, एक हम क्वेश्चन पूछे है ना। ये हमारे ढोलू जी कभी अकेले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे बताओ? रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जहाँ जा रहा है खा ले रहा है ना। ये है ना, दांत वगैरह भी बेचारे का टूट गए हैं फिलहाल, हम ही नकन पुरन क्या बोलते हैं उसको, डुप्लीकेट वाला लगा के लाए हैं है ना, जो लड़का पढ़ने लगा है ना। तो क्या बोले बताओ, तो हम क्या बोले बताओ 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 एकदम। रिएक्टिविटी वो लड़का अकेले क्यों नहीं घूम पा रहा था? वो लड़ाई करने का जहाँ जाता था ना वही रिएक्शन कर जाता था। यहाँ गए ना, क्या रे क्या क्या समझता तुम? मेरे को महात्मा गांधी समझते, लो लखा लो पढ़ खाओ। रिएक्टिविटी क्या था? ज्यादा था है ना। तो एस लक 11 ऑलवेज फाउंड इन कोमा स्टेट, क्या कहे? ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी। एस लक 11 आर फाउंड इन कोमाइन स्टेट। हमेशा क्या ग्रुप के साथ मिलता है कोमाइन, किसी ना किसी साथ क्या रहता है, जोड़े में रहता है कोमाइन स्टेट में। व्हाई? क्यों? बिकॉज़ ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। आया तो समझ में? आया तो समझ में? चौथी जी डोंट डू दैट टू हाई रिएक्टिविटी। टू टू हाई रिएक्टिविटी कोई दिक्कत हो सकता है? टू टू हाई रिएक्टिविटी, ठीक है हमारे चौथी जी। टू टू हाई रिएक्टिविटी कोई दिक्कत है? ऐसा एक साथ ना दे, साल भर रखो ना, सिंगल डी टाएगा तुम लोग का एकदम सही है। बहुत बढ़िया भाई, आया तो समझ में? दिक्कत है इतना में आगे बढ़े हम। चलो इसको मिटाते हैं। क्लास में अगर जो चीज जानते भी है वो चीज दूसरे दूसरे निकलता नहीं, लेकिन यहाँ निकलता है। अरे यही चीज क्लास में एक दो दिन लगा, जानते भी है उसी मुझे नहीं निकलता है। जो चीज जानते भी हैं लगता है कि गलत होगा तो इंसल्ट करेगा, ये है वो, लेकिन यहाँ गलत हो या सही हो भूल के बोलते हैं, सही होता है तो अच्छा लगता है, गलत होता है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कर रहे हैं ना। कुछ तो कारण होता है तभी तो हम पूछते हैं। पहले क्या होता है, कॉलन और आईनी बताते ना, हम बताते ही नहीं थे, बताए कुछ तो कारण था, कहीं से भी उठाए और बता दिए बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ क्या होता है, रीजन होता है भाई, तेरे पास दिमाग है या नहीं समझने के लिए, वो तुम समझ सकते, ठीक है। ये मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है, मेटल है ना। तो कैसा बोल बनाएगा, आयनिक की कॉल है? दे पाते क्या अगर वो चीज नहीं मेंशन कर रहे थे? नहीं ना, हमको यहाँ बताना पड़ता, यहाँ खिचड़ी बन जाता और यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या होता, भूल हो जाता है। हालांकि इसको पहले बता देते तो और अच्छा बात है ना। तो ये मेटल है, कौन सा बोल बनाएगा? आयनिक बनाएगा। क्या बनाएगा? आयनिक बनाएगा। आया तो समझ में अच्छे से है ना भाई, इससे तो क्वेश्चन नहीं आने वाला, या है नहीं बॉन्ड बनाता है कि नहीं है, इसमें से कुछ ना कोवेलेंट बना देता है। जनरली एस ब्लॉक कौन सा बनाता है? आयनिक। जनरली कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक। क्यों? क्योंकि ये मेटल है। बट है ना, जैसे हमारे चुंचू जी का बिहेवियर बहुत अलग सा लगता है, किस में बिजी रहता है हमारे चौंची जी, हमारे देश की शान, हमारे कोचिंग की शान, कल सिंगल डिजिटल है ये हमारे, ठीक है ना। लिथियम और बेरिलियम, सुना ध्यान से, लिथियम और बेरिलियम
इसका ना अलग प्रॉपर्टी के कारण ना ड्यू टू एनामोलस बिहेवियर के कारण ये इक्विवेलेंट बॉन्ड बना देता है खाली लिथियम और बेरियम बस 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 घर का पहला लड़का का जिम्मेदारी पर ये दोनों का अलग बिहेवियर है क्या है अलग तो कौन सा बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनाता है याद रखना है ना किस बिहेवियर में एनामोलस बिहेवियर और एनामोलस बिहेवियर क्या है एस ब्लॉक जब पढ़ाएंगे ना आप पहले ही बोल दिए हालांकि पीरियड में इतना एक्सप्लेन नहीं करता बताता यस ब्लॉक का निकल जाता है पर हम यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर कर दे रहे हैं ठीक है ये तो मेटल है ना इसको क्या बनाना चाहिए था अब ये दोनों क्या लेकिन एनामोलस बिहेवियर क्या बना दे रहा है कोवेलेंट बना दे रहा है हाँ अभी याद रखना अभी याद रखो ना एनामोलस बिहेवियर के कारण क्या बना रहा है ड्यू टू एनामोलस बिहेवियर क्या बोलेंगे हाँ ड्यू टू एनामोलस बिहेवियर एनामोलस बिहेवियर कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है कौन सा बॉन्ड बनाता है दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू एनामोलस बिहेवियर दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड अरे यार ब्लॉक में हर चीज एक्सप्लेन से करेंगे आप लोग इतना भी सीख लो ना बहुत सी यहाँ से क्लियर कर दे रहे हैं तो दिक्कत है आए समझ में पर जनरली क्या बनाता है मेटल है तो आयनिक बॉन्ड बनाता है आगे बढ़े हम ठीक है एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक ग्रुप का है कहाँ से कहाँ तक वन और टू याद रहेगा ना है कि नहीं है एस ब्लॉक कौन सा ब्लॉक एस ब्लॉक कौन सा ग्रुप ग्रुप नंबर वन एंड ग्रुप नंबर टू है कि ग्रुप नंबर वन एंड ग्रुप नंबर टू आगे बढ़े तब हम पी ब्लॉक थर्टी होता है ना बताएंगे कौन एनामोलस बिल्कुल एनामोलस बिहेवियर दे फ्रॉम क्वाड्रेंट वन आए तो समझ में कोई दिक्कत है आगे बढ़े हम और राइटिंग फास्ट करो आपके वक्त में है ना बड़े बच्चे हो आप छोटे नहीं हो मैं हम क्या बोलते हैं मेरे बोलने साथ आप लोग लिख लिया करो है ना हम लोग क्लास ट्वेल्थ में जब थे सर बोलते थे हम लोग खाली पढ़ के आते थे पहले से है ना पढ़ हाँ नहीं जब हम बोल रहे हैं पहले उसको ध्यान से सुनना एक बार दिमाग में आ जाएगा ना लिखने में एक बार में लिखा जाएगा बस समझेंगे ही नहीं और बस लिख दिए छाप वही होगा भाई और खाता क्या कर दिए रद्दी जमा कर लिए इतना मोटा मोटा है ना ज़्यादातर वही लिखेंगे ओके कोई दिक्कत आगे बढ़े हाँ तो यही बताइए आगे बताए हम हमारे पापा से अच्छा लग रहा है आप बहुत एक्साइटमेंट दिखा रहे हो आए तो समझ में ठीक है भांगड़ जी आगे बढ़े हम दिक्कत नहीं है थोड़ा सा भी एस ब्लॉक कौन सा ग्रुप है है ना NS1 2 हो जाएगा हम तो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेसर बता दिए NS1 इसका NS2 ठीक है तो कोई दिक्कत है नहीं ना आगे बढ़े तब हम एक क्वेश्चन है आप लोग बताओगे पक्का ना तो क्वेश्चन अगर बता दिया एस ब्लॉक का ना अभी बेसिक जितना थोड़ा सा दसवा था उतना कैलकुलेट कर दिया ठीक है देखते हैं जनरल बात पता है सोडियम पोटेशियम बहुत सॉफ्ट मेटल होता है उसको नाइफ के साथ काट सकते भाई सातवां आठवां पढ़ते आए हैं ना सोडियम पोटेशियम क्या है बहुत सॉफ्ट मेटल है इसको नाइफ के साथ काट सकते हैं हाई रिएक्टिविटी है ना किरोसिन में रख देते हैं और प्लस से क्या क्या कहते हैं सोडियम पोटेशियम जनरली मेटल हार्ड होते हैं लेकिन ये सॉफ्ट मेटल है कि नहीं है ये सब बातें जनरल बातें छोटी छोटी बातें हैं कि नहीं है आगे बताया जाए हालांकि दिक्कत को प्रोवाइड में करना के लिए हम लोग वो सब भी एकदम एक्सपीरियंस है तो वो सब एक्सपीरियंस में दे दिया जाएगा तो फर्स्ट फोकस ऑन नीट एंड जेई आगे बढ़े हम दिक्कत है तो सभी नहीं ना नहीं चलिए मेरा पहला ये क्वेश्चन है देखते कौन आंसर कर पाते कितना ज्यादा कितना ज्यादा आई क्यू आर चलेगा आई क्यू कितना ज्यादा है ना क्वेश्चन देते हैं ध्यान देना इसका कोई जोक नहीं है अभी सीरियस वाला मोड में विच आर द फ्लोइंग ग्रुप इज द फ्लोइंग ग्रुप इज द लार्जेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल बहुत बढ़िया है ना मतलब अच्छा भांगड़ जी के बारे में भांगड़ जी के बारे में बताया कौन सा ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप है ना थर्ड ग्रुप
फोर्थ ग्रुप कौन सा ग्रुप? थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप क्या कारण बताइएगा थोड़ा सा? ये भी है उसमें एक्टिनाइड और एक्टिनाइड और थर्ड एक्टिनाइड। हम क्या बताते कहाँ से कहाँ तक? 57 से 71 तक। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, लिखाया गया था 57 से लेकर 71 तक और 89 से 103 तक। थर्ड ग्रुप 6 पीरियड और 7 पीरियड। पर इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल जो एलिमेंट शुरू होता है वो 58 से शुरू होता है और इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल शुरू होता है ना वो 90 से शुरू होता है, ये बात याद रखना। कोई दिक्कत है नहीं ना? उसने क्या था एफ ब्लॉक इलेमेंट, एफ ब्लॉक अगर इलेमेंट बोलेंगे ना 57 नहीं होता 58 से होता है। पर जो भी थर्ड ग्रुप में क्या लिखा देते हैं हम लोग 57 से लेके 71 89 से लेके 103 है ना, ये पीरियड उसके बीच में कौन सा एलिमेंट होता है? एफ ब्लॉक इलेमेंट होता है। 57 एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन दे। हाँ 115 ऐसा ग्रुप और पीरियड क्या होगा? 115 नहीं और पीरियड भी 7 होगा। ग्रुप 7 जी भैया और पीरियड भी 7। पीरियड भी 7 ग्रुप 6 पीरियड 7। आप लोग कुछ बोले तो पता करके आना है ना, 104 से लेके 118 तक में कैसे पता करेंगे है ना? हम तो लगभग चीजें बता दिए ना, नहीं बता दिए लगभग चीजें एक से हालांकि 50 से ज्यादा नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का आसानी से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का यूज करके जेनन का यूज करके है कि नहीं है। और उसके बाद क्या बोले थे हम कि 89 से 103 तक बता दिए थे, बागड़ जी हमारे गलत बता सके थोड़े मोड़े है ना। और एफ ब्लॉक का और क्या बता दिए बता तो 57 से लेके 71 तक 104 से लेके हर की तक हम लोग तैयार होना, तो हर तरह से तैयार होना पड़ेगा ना। खाली हम कवच पहन लिए तलवारें लेके नहीं गए, काट पाएंगे क्या सामने वाले को? नहीं ना। हमें एलिमेंट का नाम याद करवा दिए, सब कुछ याद करवा दिए है कि नहीं? तो क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीरियड कैसे पता करें? इतना तो आप लोगों को जिज्ञासा होना चाहिए था ना जी, है कि नहीं है? एक चीज हिट कर दे खाली। हाँ हाँ 104 से लेके 118 जितने भी सारे नए ना सब 7 पीरियड होगा। सब क्या होगा? 7 पीरियड होगा, याद रखना। सबका कौन सा पीरियड होगा? 7 पीरियड। ग्रुप क्या होगा पता है? ग्रुप फाइंड कर सकते हैं पता है? क्या बोले हम? 15 राम बांध कर लो, ये एसीडी बांध कर लो जी भैया। क्या करेंगे? एसीडी बांध लास्ट दो डिजिट वही सर क्या है? ग्रुप नंबर। किसके किसके लिए? 104 से लेके 118 तक के लिए। इसका लास्ट दो डिजिट क्या है? 04 ना, तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। लेकिन 115 हम बोले थे ना, 15 हो जाएगा। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 7th पीरियड। क्या बोलेंगे? ग्रुप क्या हो जाएगा? ग्रुप 15 हो जाएगा। देखो मुझको भी है कि नहीं 115 है ना जी भैया? आया तो एसीडी बांध, मजा आया एसीडी बांध से। एसीडी बांध क्या कहता है? 104 से लेके 118 तक है ना एसीडी कॉन्सेप्ट, याद रखने हैं। ठीक है, एसीडी 104 से लेके 107 पीरियड सबका सेम रहेगा। पीरियड 7 पीरियड। पीरियड क्या होगा? 7 का ग्रुप नंबर क्या होगा? कोई तो बकोरे ग्रुप नंबर लास्ट 2 डिजिट है कि नहीं है? लास्ट 2 डिजिट। कोई दिक्कत है सभी? नहीं भैया, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो वही उसका क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर। अब तो क्लियर है, दिक्कत है नहीं ना? चलो 116 का बताओ पीरियड, बताओ पीरियड 7 पीरियड 7 है ना? पीरियड कौन सा? 7 पीरियड, याद रखना है। 104 से लेके 118 तक जितने भी इलेवन सब 7 पीरियड में होंगे और ग्रुप लास्ट में रोज होंगे। ठीक है, कुछ के याद रखने, उतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। 18 में क्या बोलेंगे? ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर क्या होगा? 16। देखो 116 क्या था? मॉस्को में फैमिली लिवर वोडियम है कि नहीं? 116 में है ना, तो आया था मजा, कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग 89 से 103 जान गए, 104 से लेके 118 जान गए, 57 से लेके 71 जान गए और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन इसे कर सकते। और भाई अगर कुछ दिक्कत हो पीरियड टेबल ही याद करवा दिए है कि नहीं है? आगे उठा जाए ये क्लासेस करो।
अब तो अब टाइम दे दिए तो कहा नहीं है, पहले पता नहीं चल पा कब नहीं है, आगे बताया जाएगा फिर पहले क्लास में जाएगा। एक क्वेश्चन दो मैं चले तुम आगे, ऐसा तुझे क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं, ये तभी प्रदिकार प्रदिकार। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू जी से, चलो अगला क्वेश्चन कहीं आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फर्स्ट मैन मेड इलेमेंट, इज फर्स्ट मैन मेड इलेमेंट, यूरिया जब आप लोग थोड़ा इस तरह जल्दी जल्दी करोगे तो कंटेंट में कम रहता है ना। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फर्स्ट मैन मेड रेडियो एक्टिव इलेमेंट, मैन मेड रेडियो एक्टिव इलेमेंट, रेडियो एक्टिव इलेमेंट, ये होमवर्क में आप लोगों को बताना, ठीक है। सभी का सभी नॉन मेटल किस में पाया जाता है, सभी का सभी नॉन मेटल की मेटल सभी पी 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 क्या पी 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 हम क्या बोले, किस स्टेट में पाया जाता है, हम बोले स्टेट का मतलब क्या था, सब सॉल्यूट में पाया जाता है, ब्रोमीन को छोड़ के लगभग सारे नॉन मेटल सोलिड और गैस में पाया जाता है, सोलिड में नहीं, सोलिड और गैस में पाया जाता है, एक्सेप्ट ब्रोमीन वो किसमें पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है। ऑल नॉन मेटल्स से बात कभी बताऊंगा, इसका छोटे छोटे पॉइंट्स जब आप लोग अच्छे से आंसर करोगे, ठीक है। तो बता दो ये दोनों होमवर्क में है, आप लोगों को पता करके बताने हैं, ठीक है। अब कोई अगर जल्दी बता दिया उसको शाबाशी देंगे, ठीक है। फर्स्ट मैन मेड इलेमेंट पहला बार, और दूसरा एसी विच ऑफ द फ्लोइंग इज फर्स्ट मैन मेड रेडियो, तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज ट्रांसयूरेनिक इलेमेंट, है ना, व्हाट इज ट्रांसयूरेनिक इलेमेंट, ट्रांसयूरेनिक इलेमेंट इसे बोलते हैं, इसका आंसर कोई बताओगे अभी, डीप ब्लॉक एलिमेंट हुआ है वो, तो ट्रांसिशन इलेमेंट था, लिखा ट्रांसयूरेनिक इलेमेंट लिखता है ना, हम ट्रांसिशन इलेमेंट नहीं बोले हम, है ना, आप लोग कोई पढ़ के नहीं आया आपको पता चल गया, एक भी आंसर नहीं कर पा रहे सारे नहीं आए, कोई बात नहीं चलो ना पढ़ते व्हाट इज ट्रांसयूरेनिक इलेमेंट, ठीक है। तो दिक्कत है नहीं ना, सारे आंसर्स मिल जाते हैं, है ना, अगर पढ़ के आए इस तरह से लग रहा है होमवर्क, बस हम जो क्लास में पढ़ाए हैं वही चीज़ की, मानते तो बोरिंग लगता है ना, पर एक बार रीड कर लेते ना सब दिमाग में आ जाता है, और अब आंसर देने में अच्छा लगता है कि नहीं, चलिए होमवर्क में रहने देते हैं, है ना, सब होमवर्क में बताना है आप लोग, है ना, ये दोनों आप लोग पता करना ही होगा, आपको इसका पता नहीं करो किसी होगा, और ट्रांसयूरेनिक इलेमेंट है कि नहीं है, जिसका एटॉमिक नंबर 9 से ज़्यादा होता है ना उसको ट्रांसयूरेनिक इलेमेंट बोलते हैं, पर आप लोग लिख के आना उसके बाद बताएंगे, चौथा क्वेश्चन दे और, है ना, आंसर हमने दिए, मॉडल मॉडल पढ़े होते आंसर सारा देते हैं ना, अच्छा नहीं लगा हमको, चलो चौथा क्वेश्चन आप लोग नहीं थे सर पूछते हैं क्या, चौथा क्वेश्चन दे मिल जाएगा, व्हाट इज ट्रांसयूरेनिक इलेमेंट बोल दिए ना, ठीक है आगे बढ़े हम, ऑल नॉन मैटर, क्या ऑल नॉन मेटल्स, है ना, नॉन मेटल अगर कोई पढ़ाई के साथ जोक किया तो पढ़ाई उसके साथ जोक कर जाएगा, है कि नहीं है, अगर जोक के साथ जोक करेंगे तो हंसी मिलेगा, पढ़ाई के साथ जोक करेंगे तो जिंदगी नरक मिलेगा, याद रहा तो, चलो ऑल नॉन मेटल्स, है ना, ऑल नॉन मेटल्स आर फाउंड इन, आर फाउंड इन, बताओ बताओ बताओ, सॉलिड एंड गैस असिस्टेंट, सॉलिड एंड गैस असिस्टेंट, सॉलिड एंड गैस असिस्टेंट, गैस असिस्टेंट, लेकिन एक किस आंसर, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन एक्सेप्ट, पहला ऑप्शन ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्या हो जाएगा आंसर, ब्रोमीन किसे पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, क्या पाता है, लिक्विड के फॉर्म पाया जाता है कि नहीं, तो दिक्कत है, इस तरह ढेर सारा क्वेश्चन लाएंगे, है ना, अगर आप लोग ऐसे आंसर दे रहे हैं और भी कराएंगे, फिर ढेर सारे क्वेश्चन कराना, आगे बढ़े हम, है ना, याद रखना क्लास की बेस, बैच का कंटेंट कितना होने वाला है, बैच कितना हाई जाने वाला है, किसको डिपेंड करें पता है, आपका क्लास का सबसे लोएस्ट बच्चा जो सबसे कम ध्यान रखता है, अगर वो ध्यान देना शुरू कर दिया ना, याद रखना एक बैच का तो लेवल हम बहुत हाई कर देंगे, है कि नहीं है, ये चौधरी जी है ना, टॉपर जी हमारे, है कि नहीं,
आगे बढ़े हम चले बस इधर की ब्लॉक इलेमेंट। हम अब बी ब्लॉक पे आते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक का थोड़ा बताना था, बता दिया था। नॉन मेटल के बारे में बता दी, किस ब्लॉक का था? बता दिया हम भाई, पी बोले तो दिमाग में नॉन मेटल आना चाहिए। मैं पी बोलूँ तो पी बोलूँ नॉन मेटल आना चाहिए। कहला दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं रखो, सब क्लियर होगा। जिसको इसको जो दिक्कत है कमेंट करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत है आगे मैं बताऊँ? चलो तो पी ब्लॉक पहले, एस ब्लॉक में तो पता है वाला पी ब्लॉक में अभी वो मैं पढ़ाएगा हूँ, पढ़ाना सब लिखा जाए अच्छे से बोलना, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 में, 13 में कौन सा है? बैगन आलू गाजर छेला। वेरी गुड आंसर, बैगन आलू गाजर इन छेला, ठीक है। कल निर्माण के सारे बच्चे भी आएंगे क्लास में, कोई जितना ज्यादा अटेंटिव रहा है। मेरी नज़र में तो दो तीन बच्चे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा अटेंटिव है क्लास में, है ना। सब पेरेंट्स को कल एसएमएस भी जाएगा, आपके बच्चे क्लास में सबसे ज्यादा अटेंटिव है, ठीक है। तो हमको पता है इसमें सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले हमारे चाचू जी, है ना। ग्रुप नंबर 14 काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, जल्दी जल्दी बोलिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 बड़ा आंटी पे ध्यान है, एफ सी बी आई क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो और क्या था पीछे में? उसके बाद बोलो तो कोई कोई दिक्कत है ना। हम कुछ बताएंगे नहीं, फिर भी अपने से बोले कि एक लाइन सही है नहीं, बोले पहला मेरा क्वेश्चन, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ध्यान देना। क्या है, जब तारीफ होता है तो बड़ा सुकून अंदर से मिलता है ना। जब बेइज्जती होता है ना बड़ा दुख होता है, जब दोनों मिलता है ना तो जिंदगी आनंदमय होता है, दोनों ठीक है ना। बेइज्जती भी होना चाहिए और तारीफ भी होना चाहिए, बैलेंसिंग में चलना चाहिए। जब लेकिन जब रिजल्ट का बात है, सपोर्टिव तारीफ होना चाहिए, है ना। रिजल्ट कब बनेगा? बस पढ़ने से हो जाएगा, बस मेहनत करने से हो जाएगा, उसको रिवीजन करने से, नोट्स बनाने से, नहीं ना नोट्स बनाने से भी ना। हाँ सारे पॉइंट आप खुद बताए ना। सिंपल सारा क्या है, पढ़ाई में जब ध्यान दिया जाता है। बाबू इसका आंसर क्या होगा? लड़कियों से पूछ लिया जाता है, वो ध्यान तो है, वो तो पढ़ाई में ध्यान दे रहा है ना, पर ध्यान भी किधर दे रहे हो ये भी क्या है, जरूरी है। नहीं मम्मी मैं तो पढ़ाई का डिस्कशन कर रहा था, है ना। किससे कर रहे थे? भांगड़ जी से नहीं कर रहे थे हम, भांगड़ी जी से कर रहे थे, ये तो नहीं बताए है कि नहीं, तो दिक्कत है। ठीक है तो आगे बताया जाए, बोले हाँ। अरे वाह वेरी गुड, तुमको अच्छा लगा ना, अच्छे बच्चे हो आप, है ना। तुमको देख के तो हम मेरा सीना ना 56 इंच का हो जा रहा है। अरे सही बोला, तुम बुक पढ़ता ना अभी तो बन के तितला में कहाँ उड़ता, ठीक है। तो और नीटनेस में तो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को स्टेटमेंट दिया हुआ था कि जे मैंने तो देता ही था, पर इसमें नीट भी क्या किया, ढेर सारा दे दिया था। मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों बताना कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है, हम ट्रू और फॉल्स पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ट्रू और फॉल्स, कौन सा बताना है, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन,
ठीक है, बताओ तो ब्यूला क्लेमेंट कहाँ से कहाँ तक है, 13 से लेके 18 तक है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है ना, पहला क्वेश्चन आप सभी को जाता है, ऑल एस ब्लॉक इलेमेंट, ऑल एस ब्लॉक इलेमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से आंसर है, ऑल एस ब्लॉक इलेमेंट टर्मिनेट, ऑल एस ब्लॉक इलेमेंट टर्मिनेट विथ नोबल इलेमेंट, विथ नोबल इलेमेंट और नोबल गैसेस है ना, और गैसेस ठीक है। दूसरा ऑल एस ब्लॉक इलेमेंट्स है ना टर्मिनेट, मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, कैसे बोलते हैं टर्मिनेट, खत्म किस पे हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है खत्म किस पे हो रहा है, और क्या बोलते हैं एस नोबल इलेमेंट किसे बोलते हैं, ग्रुप 18 को, ग्रुप 18 को, हाँ ग्रुप 18 को बोलते हैं, नोबल इलेमेंट किसको बोलते हैं, ग्रुप 18 को बोलते हैं। चौथी जी ग्रुप 18 को कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, नोबल इलेमेंट है ना, नोबल गैस भी उसी को बोलते हैं ना, बड़ा यार स्माइल कर रहा है, तीन बार सही नहीं करते जो स्माइल होगा ना वो दांत पीला पीला नहीं दिखेगा, दांत बाहर दिखेगा है ना, ऐसे करके है कि नहीं है ना, एकदम कहाँ दिखेगा बाहर, मुझे हार्ट होगा ना, हार्ट हार्ट यहाँ ना रखे मीडिया वाला के माइक पास हुआ कहाँ हो रहा है, उसका जगह क्यों लगाई अपना जगह बनाएगा, उसका जगह क्यों लगा, उसका जगह क्यों लगाई अपना जगह बनाएगा है कि नहीं है। चलो आगे बताया जाए, अगला ऑल पी ब्लॉक इलेमेंट्स, ऑल कौन सा इलेमेंट, ऑल पी ब्लॉक इलेमेंट्स टर्मिनेट्स, ऑल पी ब्लॉक इलेमेंट्स टर्मिनेट्स विद नोबल इलेमेंट, कौन सा सही है कौन सा गलत, दो 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 वाला एस ब्लॉक कहां से कहां शुरू होता था, 1 से 2 1 से 2 है कि नहीं है, जी भैया वो नोबल इलेमेंट भी आता था, नहीं नहीं बी ब्लॉक कहां से शुरू होता है, 13 से 18 हम मैंने जो पूछा है उसी का आंसर दे, हम बोले कहां से शुरू होता है, खत्म कहां से शुरू, 18 कौन सा एलिमेंट है, नोबल इलेमेंट, ऑल पी ब्लॉक इलेमेंट टर्मिनेट इन नोबल इलेमेंट, मतलब कौन सा एलिमेंट से क्वेश्चन सही है, डी ये वाला से, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है वो दिक्कत है क्या सब नहीं ना, आगे चले हम, ठीक है वीडियो में क्या करना है, पोस्ट करना है, ठीक है आगे बढ़ा है, बहुत इंप्रेस कर रहा है, क्या बात है, अच्छा बात है, पढ़ाई नहीं है, सिंपल सा एक बात बोला, जो ज्यादा पढ़ोगे ना अपने आप में उसे इतना ज्यादा मानता हूँ, मेरे पुराने शख्स को पता, जो नहीं पढ़ता है ना मेरे पीछे कितना भी रहोगे ना हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पढ़ता है उसके लिए मेरे लिए हमेशा सर पे रहता है, क्योंकि पता है कल जीती उसका ही बनने वाला, उसके कारण क्या होगा मेरा नाम भी होने वाला है, मेरा नाम तो छोड़ दो शायद तेरा जिंदगी बन जाएगा है ना, नाम भी होगा, नाम भी होगा, आगे बताया जाए तो कोई दिक्कत है सभी क्या, नहीं ना सुनना इसको क्या इच्छा है, सुनना ध्यान से एकदम है ना, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सभी को पता है, हालांकि मैं इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताऊंगा पर अभी पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कौन सा आउटर मोस्ट, बाहरी इलेक्ट्रॉन को है ना, सपोज जैसे बोलते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक नंबर रहता है ना, 1s1 बाहर में इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, इसे लिथियम लेंगे, दूसरा लेते हैं लिथियम, क्या लेंगे लिथियम है ना, 1s2 तीन एटम नंबर था, 2s1 जो बाहर में कौन सा इलेक्ट्रॉन है ना, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी क्या हो गया, एक हो गया, इसका दोनों का दोनों किस ग्रुप में है, पहला ग्रुप में रखा गया, आया कि नहीं ऐसे समझ में, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 3s1 बाहर में इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 2s1 ये वाला है, तो कौन सा ग्रुप में रखा गया है, एक में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, एक है, आया कि नहीं ऐसे समझ में, है तो मैसेज क्लियर, तो आगे बढ़े हम, तो दूसरा ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दो एक वो करके दिखा देते हैं, दूसरा ग्रुप का क्या था, एक बेरिलियम, कौन सा था, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 ना, 1s2 2s2 तो दिक्कत है क्या,
बता तो वैलेंस मेटल कितना है, दो है ना, ग्रुप कौन सा हो जाएगा, आगे बढ़े हम। चलो अब बता तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, पांच है ना, क्या होगा, किसी को वैलेंस मेटल कितना है, वन है, ठीक है। इसका पीरियड बता तो, बोरॉन का निकाल लेना, हाँ पीरियड बता, दो 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 दो, ग्रुप बता, एक ग्रुप, एक ग्रुप नंबर, ग्रुप ए, हाँ ग्रुप ए, ब्लॉक एस, ब्लॉक पी, ब्लॉक पी होगा, सही करो, ग्रुप थ्री होगा, थर्टीन 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 ना, ठीक है, इतना जल्दी बारह प्लस से क्या तीन, और बताओ तो ये ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक कौन सा, बी है ना, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है इसका, कौन सा ब्लॉक में रहना चाहिए, ग्रुप में रहना चाहता है, एस ब्लॉक का फर्स्ट में रहना चाहता ना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बार तो नहीं है, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अनुसार तो फर्स्ट ग्रुप में रहना चाहिए था भाई, इसकी बात कैसे समझ में आया, तो वहाँ पे एक फिल्म दिला दिए ना, पहला ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए था, एक आना, दूसरा ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, दो ग्रुप तेरह में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए पता है, तीन, ग्रुप चौदह में कितना चाहिए, चार, ग्रुप पंद्रह में कितना चाहिए, पांच, ग्रुप छह में कितना चाहिए, छह, ग्रुप सत्रह में कितना चाहिए, सात, ग्रुप अठारह में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, आठ है ना, ग्रुप वन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आना चाहिए, एक, ग्रुप दो में कितना आना चाहिए, दो, ग्रुप तेरह, तेरह कितना कितना आना चाहिए, तीन, कितना आना चाहिए, ग्रुप तेरह में कितना आना चाहिए, तीन, ग्रुप चौदह में कितना आना चाहिए, चार, ग्रुप पंद्रह में कितना, पांच, पर ग्रुप तेरह में तो एक आ रहा है, आप भैया जी बाहरी इलेक्ट्रॉन बोले ना, है ना, क्या बोले हम बाहरी, आप लोग जितने भी सारे हम लोग तीन आ रहे हैं, तीनों का भी तो एक ही करने के लिए है ना, मेरा ढोलू बोलू का है कि नहीं है, तीनों को बाहर ही अभी माना जा रहा है ना, आप लोग अपने माना जा रहे हो ना, सेम कैटेगरी के हुए कि नहीं हुए, दो दो दोनों बाहर का होगा ना, लगभग बच्चा का कंफ्यूज होता है कि दोनों मिला के बाहर होगा, भाई दोनों तो सेम से, बस एस और पी का अंतर है, दो और दो, यू तो दोनों अलग सेकेंड रूम का है, पहला रूम ये हुआ, दूसरा रूम कौन कौन सा है, टू और टू, दोनों सेम ही रूम, दो रूम है, नहीं आया समझ में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये दो और दो है, ये क्या है, दो और दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तीन होगा, कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीन, डाउट हो गया क्या, नहीं दो कैसे लेंगे, ये दो दो है ना, सेम सबसेल्स है ना इसका, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यही होगा, अरे दो दो है, तीन हो गया ना, दो और एक तीन, ये दो है और ये क्या है, तीन है, नहीं आया समझ में, आगे बढ़े, जैसे अभी एक मैं और पूछता हूँ, ठीक है, सुनना ध्यान से, फिर सुनो ध्यान से, उसके बाद कुछ सुनना, वन एस टू, टू एस टू, टू पी टू, पूरे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका बताओ, चार, चार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार कैसे हुआ, देखो ये भी दो है, ये भी दो है ना, दोनों सेम सेम हुआ कि नहीं, दोनों सेम सेम हुआ कि नहीं हुआ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दो और दो क्या होगा, चार होगा, ठीक है, आगे बढ़े हैं, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, ठीक है, देखो एक था, वन एस तो एक ही था, ये तो अंदर में हो गया, कोई मतलब नहीं, टू एस टू, टू पी क्या होगा, ये तो एक ही जगह होगा माना जाएगा ना, ये भी अंदर का बाहर बस थ्री है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये एस ब्लॉक का ही है, आ गया ना आंसर, नहीं है समझ में, बाहर का मतलब उसका एक नंबर है, देखो तो ये दो दो थे ना, यहाँ लास्ट में क्या था, दो था ना, पर खाली एक ही दो था क्या, ये भी तो दो था, ये दो टोल को लेंगे ना हम लोग, आज तो इसमें एटॉमिक इसमें और एक्सप्लेन करेंगे, बस पता इसका इसका क्या होगा, कोई चलो हमारा कितना हो जाएगा, थ्री एस टू का टू हो जाएगा, बस दो ही होगा ना, और कोई दिख रहा है क्या, एक ही घर का, ये दो अलग घर का, ये दो अलग घर का, तीन अलग घर का होगा ना, सबसे बाहर वाला घर कौन सा, घर का नंबर बता, बाहर वाला कौन सा घर का नंबर बता, मानो घर है सब तीन है ना, और तीन एक भी है क्या, बाहर में तीन है ना, दूसरी जगह कितना दो है ना, यहाँ पे बाहर में कौन सा घर है, दो है ना, दो और कोई है क्या, एक और दो है, नहीं है दो को दो, दोनों दो का क्या कर लेंगे, इसमें दो कितना दो था, इसमें कितना था दो, दो क्या ना होगा, चार हो गया, आज समझ में, आगे बढ़े हम, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस में यहाँ पे इतना नहीं पता, दो तीन तीन स्टैक का मैच करेगा तभी, हाँ दो दो मैच किया पूरा लेना है, तीन तीन मैच किया तो पूरा लेना है, आए तो समझ में, कोई दिक्कत है किसी को, थोड़ा सा भी आगे बढ़े हम, ठीक है चलो ठीक है, आगे बढ़े हम, कौन सा ग्रुप है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तीन, 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 ती
1s2 देखो बाहर में कौन सा नंबर है, दो है ना, और भी एक दो नंबर है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी का हो जाएगा ना, कितना है इसमें इलेक्ट्रॉन, दो है ना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का शॉर्ट होता है ना, कार्बन का 6 होता है, तो वही तो सुनना चाहते कौन क्लास में अटेंडिव हो, कार्बन का तो 6 होता है, ये तो सुनना था भाई, सब दो दो क्यों मिल रहे थे, वेरी गुड बाहर जी और जेरी है ना, बताओ कार्बन का एटम नंबर कितना बचा है ना, 1s2 2s2 2p2 हां सर, ना कुछ है, बाहर में कितना है, दो है ना, एक और दो है क्या, है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये होगा ना, ये आपका मस ऑर्बिटल वगैरह हो जाएगा ना, दो तो क्या हो जाएगा, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, चार, ग्रुप 14 भी है ना, तो आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, चार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, चार है, ठीक है ना, पर नाइट्रोजन का एटम नंबर कितना होता है, 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, देखो बाहर सबसे पहले कौन सा नंबर है, दो है और दो है क्या, ये दो भाई दोनों मिलकर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, पांच, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पांच, तो सच में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, पांच, इसका तो 6 हो जाएगा, इसका कितना होगा, 7 हो जाएगा, इसका कितना 8 हो जाएगा, तो दिक्कत है किसी को, थोड़ा नहीं है ना, है कि नहीं है, सब अच्छा पी ब्लॉक इलेमेंट को क्यों बोलते हैं, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पी सबसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक पी में कितना से शुरू हो रहा था, पी में 13 थे, ग्रुप नेम मैंने पूछा, बल्कि इलेक्ट्रॉन की संख्या से शुरू हो रहा था, एक से ना, मतलब कितना पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है ना, ये पहला ग्रुप है पी ब्लॉक का, तो यहाँ पे सब ब्रोन का को लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2p1, देखो स्थानिक पी ब्लॉक किससे हुआ है, एक ही भरने से ना, और खत्म इस पे हुआ है ना, मतलब स्थानिक इस पीरियड का मानते हैं ना, हीलियम नियॉन है ना, नियॉन का 10 होता है ना, 1s2 2s2 2p6, मतलब लास्ट जितना भी समय कितना होगा, P6 ही होगा, इसमें पी क्या होगा, 6 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 होगा, है ना, स्थानिक कहाँ से हुआ है, इस P1 से ना, क्या हुआ है, P1 से, तो दिक्कत है क्या, नहीं ना, लेकिन P के साथ क्या था, उसमें S था, S2 था, सबके साथ क्या था, S2 भराएगा तभी तो P भराएगा, पहले S भराएगा, पहले P, पहले S ना, S के बाद ना, S2 P1, यहाँ पे क्या लिख देगा सब में, S2 P S2 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 S2, क्या दिक्कत है क्या, तुम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की ग्रुप ले लीजिए, क्या लिखेगा तुम लोग, S2 P कहाँ से होता है, एक से खत्म, कहाँ तक गया था, 6 तक, यहाँ MM लगा देंगे, ये भी MM, ये भी क्या होगा, MM ही होगा, कि देखो इधर 2 था, ये क्या था, 2 था, इधर भी 3 था, ये क्या था, 3 था, नहीं आती समझ में, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, कार्बन का है ना, P कितना है, 2 था, sp क्या है, 2, NN दोनों का सेम होगा ना, ये है इसका जनरल कंफिगरेशन, हमको लगता है अभी तक का सिस्टम समझ में आया होगा, छोटी चीजें तो हम ट्राई किए थे वैसे समझा दें, नहीं आया समझ में, आ गया ना भाई, ऐसा तो नहीं बताया जाता वो कहीं भी, खाली लिख देता होगा है ना, NS2 से लेके NP16 ले गया, आगे बताया जाए, करें हम आगे जनरेटर पी ब्लॉक, आगे बढ़े हम, चलो छोटी सी बातें बताता हूँ, आप लोग को पढ़ना चाहिए सबसे पहले, छोटी बात तुरंत आंसर लाना चाहिए कि नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंस ही होता है क्या, होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस नहीं 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 भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस ही, नहीं 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 सामने ये होता भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, बता का मतलब होता है कितना बॉन्ड बना सकता है, कितना है ना, क्या कितना बॉन्ड बना सकता है, सिंपल से इसको को वैलेंसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ से हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, और कोवैलेंस या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है,
है ना, कितना इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अगर सीखा होगा कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कितना इलेक्ट्रॉन लॉस, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही वही बॉन्ड बनाएगा। तो ये वैलेंसी क्या है कि कैरेंसी ऑफ क्या है एक ही होगा इसका वैलेंसी कितना होगा एक ही होगा। क्या होगा वैलेंसी एक ही होगा, ठीक है। दिक्कत जो ये सेम हो गया यहाँ पे पता है, देखो सुनना ध्यान से, एक लाइन में बोलेगा ज्यादा खिचड़ी मत करना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर चार से कम है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है दो है तीन है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है दो है तीन है तो वैलेंसी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लॉस कर देगा। तीन तक वो क्या कर सकता है लॉस कर सकता है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए आठ चाहिए, है ना। टू कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट टू ऑब्टेन द ऑक्टेट टू अचीव द ऑक्टेट टू अचीव द नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशन, उसको कितना इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है आठ का है, है ना। अगर चार से कम होगा, अगर चार से कम होगा तो लॉस कर देगा, क्या कर देगा लॉस कर देगा। और चार से अगर ज्यादा है क्या करेगा गेन करेगा, क्या करेगा गेन करेगा। अगर चार से क्या है कम है, अगर क्या है चार से कम है और चार से अगर क्या है ज्यादा है तब गेन करेगा, और चार से कम है तो क्या करेगा लॉस करेगा। बहुत जैसे खराब है देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है सुनना भी ध्यान से, ठीक है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है एक है, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, इसका वैलेंसी आप कितना बोले एक, इसका वैलेंसी बोल दिए हम एक ही बोल दिए। फिर इतना बात क्लियर हुआ, मैं वही वही चीज़ बताऊँगा, पहले बोला ना कॉमेंट करने से पहले मैंने सारा आंसर यहाँ कर दिया जाता है कि नहीं, मुझे सुनना है ना अच्छे से है कि नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है एक है, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा एक। पहले हम क्या बोले इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार से कम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा वैलेंसी हो जाएगा, अगर चार से क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी नहीं होगा, तो छह आठ से माइनस करेंगे तब क्या करेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच है, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है पांच है, तो वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा आठ माइनस पांच क्या हो जाएगा तीन। शुरुआत में बताएंगे तब कॉन्सेप्ट आएगा, समझा क्या, उसके वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेवन है बता जरिए वैलेंसी कितना होगा एक होगा ना है कि नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह है तो वैलेंसी बताओ दो, आए तो समझ में ना सीख गए ना आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। क्या मैं अभी क्वेश्चन पूछूं कि लॉस ऑफ गेन क्यों कर रहा है और सबका अलग अलग वर्ड है, कोई नोबल गैस कंप्रेशन बोल रहा है कोई स्टेबल बोला, क्या बोले नोबल, सही बोले एकदम। तो हम तीनों रीजन बता दिए टू अचीव स्टेबिलिटी टू अचीव नोबल गैस कंप्रेशन, तो है ना ये सब बताया ना, इसलिए कोई लॉस करता क्या करता है भाई पढ़ना है तो नाइन से पढ़ा रहा होगा, पर समझ में कभी आया क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये चीज़ सिखा दिए ना, अब हम बताएं क्या होता है टू अचीव नोबल गैस कंप्रेशन, सबको बताता है भाई क्यों लॉस लैक्ट कर रहा है सर टू अचीव नोबल गैस कंप्रेशन, क्या नोबल गैस कंप्रेशन क्या नोबल गैस कंप्रेशन स्टेबिलिटी, तो क्रटा स्टेबिलिटी क्या मतलब लॉस कर रहा है तो क्या बन जा रहा है स्टेबल कैसे हो जाएगा नोबल गैस पहला नोबल एलिमेंट का नाम बताओ, पहला नोबल एलिमेंट का नाम बताओ नंबर इसका कितना है दो, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर दो होगा वो नोबल एलिमेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर हीलियम का एटॉमिक नंबर दो है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन सुनना ध्यान से, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है दो, एटॉमिक नंबर दो है,
प्रोटॉन कितना है? दो। इलेक्ट्रॉन कितना है? दो। है ना भाई, मैं जो पढ़ाता हूँ सब एक ही होता है, दो पर मैं पढ़ा दिए है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन सब चेंज होता है क्या? चेंज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बदलता है। छोटी छोटी बातें अब आंसर दे देना चाहिए एक बार में, है ना। क्या चेंज होता है? इलेक्ट्रॉन का नंबर भाई ना, अगर मान लेते लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तीन। इसका प्रोटॉन नंबर? प्रोटॉन तीन। एटॉमिक नंबर? तीन। एटॉमिक नंबर तीन, एटॉमिक नंबर तीन है ना। और इलेक्ट्रॉन नंबर? तीन। इलेक्ट्रॉन नंबर तीन। बता, ये दोनों कभी चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं ना। कहीं चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं चेंज कर सकते ना भाई, आपको स्टेबल तो बनाना है ना, इसको इसको अचीव मतलब स्टेबिलिटी देना है ना, तो ये दोनों तो चेंज नहीं कर सकते। चेंज किस साथ कर देंगे हम? कितना इलेक्ट्रॉन कर देंगे जो स्केल पर हो जाएगा? कुछ प्रेस समझ में आया? पहले आंसर नहीं करना, पहले आंसर करना है ना। क्या बोल रहे हैं? तो कौन सा कचरा हो जाएगा? क्या बोलेगा? क्यों करता है? स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए। देखो, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के बगल में कौन सा एलिमेंट है? हीलियम इसके बगल में है, नियॉन इसके बगल में है, हीलियम, हीलियम बगल में है ना। तो हीलियम के, हीलियम के बराबर होने के लिए क्या अपना प्रोटॉन घटा सकता है क्या? नहीं घटाएगा ना। प्रोटॉन भी घटेगा क्या? एटॉमिक नंबर घटा सकता है क्या? नहीं घटाएगा। क्या घटा सकता है? इलेक्ट्रॉन घटा सकता है ना। कितना इलेक्ट्रॉन घटा देंगे? एक घटा देंगे भाई, वही तो गैलेक्सी एक है। अब आया क्या, समझाया था कि कभी कभी ऐसा नहीं ना। किसके नाम बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका? दो हो जाएगा। किसके बराबर हो गया? हीलियम के बराबर। इसका नहीं क्या करता है? एक लॉस करता है। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? इसके बराबर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो गया? हीलियम के बराबर हो गया है कि नहीं। हम तो बता के निकल सकते थे 2H नॉवल गैस के लिए क्या करता है इलेक्ट्रॉन, जिसका चार से कम वो लॉस कर दे। पर भाई ये चीज़ बताया कि कुछ सीख लो। आया कि नहीं आया समझ में? क्या हुआ? एक घटा देंगे किसके इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा? हमेशा लॉ इलेक्ट्रॉन लॉस करते क्यों पता है? एक कोई नोबल इलेमेंट का इलेक्ट्रॉन के बराबर प्राप्त करना। इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करते हैं? कोई ऐसा करे जो आसपास में मेरा जो नोबल इलेमेंट होगा ना, मेरा उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए, है ना। क्या हो जाए? उसके नोबल इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए। कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे बताए ना। ठीक है, तो चलिए आए कि नहीं आए समझ में? दिक्कत है क्या समझ में? नहीं, प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। एटॉमिक नंबर चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन का चेंज करते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन होता है। तो लॉस भी करेंगे या तो गेन ना करेंगे। और लॉस कब करेंगे? जब देखेंगे चार से कम रहेगा, और गेन कब करेंगे? जब पाँच से ज्यादा रहेगा। दिक्कत नहीं है ना, आए तो समझ में? वहाँ पर शेयरिंग होता है ना, ही गेन करेंगे तो ना ही हम लॉस करेंगे। क्लास में बताए हुए हैं पहले भी, हाँ हाँ, तुम भी दो हम भी देंगे, है ना। उसको लेडीज ड्रॉप स्ट्रक्चर में और पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर हम बताएं सोडियम, क्या बताएं? सोडियम देखो, एस ब्लॉक का ही बता रहे हैं ना, इतना तो थोड़ा फिर एस ब्लॉक का फिर लिख के यहाँ ध्यान दे। अभी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन बोलो। 1s2 2s2 1s2 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 2p6 3s1 3s1। एटॉमस कितना है? 1। लॉस करेगा कि गेन करेगा? लॉस करेगा। लॉस कितना होगा? क्लोरीन है तो एक किसके बराबर हो जाएगा? अब फिगर आ रहा है क्या? अब आया हम बोले थे पूछेंगे फिगर आता है कि नहीं आता है, है ना। हाँ, क्या बोलते हैं? बोरॉन लॉस करेगा कि गेन करेगा? बोरॉन का हो गया पहला। दूसरी बात, आपका आंसर सब सही आ रहा है, पर घबरा के आप आंसर क्या कर दे रहे हो? गलत कर, घबराना नहीं है। ठीक है, तो
कोई दिक्कत है तो सभी आगे बढ़े हम फिगर आ रहा था पहले बोल रहे थे लॉस करेगा अब फिगर आ रहा है क्यों करेगा पहले क्या बोल रहे थे आंसर टू अचीव नोबल गेस कंप्लीट टू अचीव किसके नजदीक होगा अगर मैग्नीशियम है लॉस करेगा क्या करेगा मैग्नीशियम फिर दूसरा ग्रुप का है अब तुरंत बताएं अच्छे से मैग्नीशियम ग्रुप नंबर दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा दो लॉस कर देगा मैग्नीशियम का बगल में कौन सा है नियॉन है नियॉन है ना दस है कि नहीं कौन सा है दस है मैग्नीशियम का बारह है नियॉन का कितना है दस है तो क्या होगा लॉस कर देगा नियॉन के बराबर हो जाएगा किस बार हो जाएगा अब आया समझ में हालांकि छोटी बातें थे पर फिगर नहीं आ रहा था पहले अब फिगर आने लगा ना है कि नहीं है कोई दिक्कत है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है क्या होता है 17 होता है ज्ञान कर लेगा बोले तो पर लिख दिए हैं मेरे सरण कितना है 7 है कभी आप फिर भी कर देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 6, 4, 10, 12, 5, 17 ये 3 होगा ना बता बैलेंस में देखो एक बाहर में बाहर में 3 है ना और इधर क्या है 3 तो भाई एनर्जी पूरा ज्यादा लगेगा एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होता है कुछ नहीं भी पूछे तो भैया 4 से ज्यादा भैया क्यों नहीं वो गेन कर सकता लॉस क्यों नहीं कर सकता गेन ही क्यों करता है क्या बोलोगे एनर्जी का बहुत ज्यादा लगेगा 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में क्या कर लेता है गेन ही कर लेता है और 4 से कम है तो आसानी से कर देता है ना तो 7 इलेक्ट्रॉन हुआ ना तो बगले मिल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन लेने किसके बराबर हो जाएगा आयरन के बराबर हो जाएगा ना यहाँ हम 6 लिख देंगे किसके बराबर हो जाएगा आयरन और सबके लाखों को फुलफिल्ड हो जा रहा है लॉस कर रहे हैं फिर भी लास्ट में भरा हुआ मिल रहा है गेन करे तो भरा हुआ क्यों ना भरा हुआ मिला तो क्या मिल रहा है स्टेबिलिटी मिल रहा है कि नहीं एक लड़का स्टेबिलिटी आंसर बोला इसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना स्टेबिलिटी मतलब उसका ऑर्बिट क्या हो गया भर गया स्टेबल हो गया है कि नहीं और कोई बोला टू अचीव नोबल गैस कंप्लीटेशन इलेक्ट्रॉन लेयर किसके नोबल गैस के बराबर हो जा रहे हैं हाँ वर्ड अलग अलग था पर मतलब क्या था अलग अलग मतलब तो एक था पर वर्ड का अर्थ भी कुछ अलग अलग आया आज क्लियर कि नहीं आया आगे बढ़े हाँ है ना भाई इस चीज के लिए ना फोन जलाना पड़ रहा है ना चलो फिर हम फिर से मैं बोलता हूँ पहले पढ़ोगे फिर क्या किया जाएगा खाली बोल के निकल दिया जाएगा सर टू अचीव नोबल गैस कंप्लीटेशन टू अचीव स्टेबिलिटी क्या है फिगर कभी दिमाग में नहीं आएगा फिगर आने लगाना अगर हम बोलेंगे कि जो फ्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन भी गेन करेगा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना नौ एटॉमिक कंप्लीटेशन कितना 7 आएगा ना 17 ग्रुप का है कितना होगा 7 वेरी गुड कितना होगा 7 गेन करके लॉस करेगा गेन करके किसके बराबर हो जाएगा नियॉन के बराबर 10 है ना 10 हो जाएगा नियॉन का फिगर आने लगा ना क्या हो गया नोबल गैस एलिमेंट अटैक कर रहा है और लास्ट और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट खाली था ये भर जा रहा है ना मतलब टू अचीव स्टेबिलिटी मतलब उसका ऑर्बिट क्या हो जा रहा है भर जा रहा है प्लस टू अचीव नोबल गैस कंप्लीटेशन नोबल गैस कंप्लीटेशन क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है क्लियर है सब बातें मैं आगे बढ़ूँ ठीक है चलो एक बार फिर से हम बोल देते हैं 71 से क्या 71 से कितना 57 से 71 और 89 से 157 ध्यान देना 57 इलेमेंट लैंथेनोइड नहीं होता 58 से होता है और 89 वाला नहीं होता 90 से होता है ये बात याद रखना पर ये सारे किससे बिलोंग करेंगे थर्ड ग्रुप है ना पीरियड 6 ये पीरियड 7 है ना एफ ब्लॉक असेट 57 to 89 एफ ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है 58 से 90 हमने पहले वजह से हमको पीरियड टेबल अगर देखना है ना चलो इसको मिटा रहे हैं देखे थे ना चलो आगे बताएं हम जल्दी करो सबको खत्म करें ये सीजन किसको डाउट है 57 से कतर थर्ड ग्रुप 6 पीरियड है ना और 90 से 89 से 103 थर्ड ग्रुप 7 पीरियड पर लैंथेनोइड कौन सा एलिमेंट पहला होता है 58 ना कि 57 हालांकि पीरियड टेबल ने दिखा दिया 57 को उठा के नीचे कर दिया पर 57 वाला लैंथेनोइड नहीं होता 89 वाला लैंथेनोइड नहीं होता 90 से लिखने के लिए बताने के लिए पूछ देगा कौन सा ग्रुप है कौन सा पीरियड 57 वाला क्या बोल देगा थर्ड पीरियड 6 थर्ड ग्रुप 6 पीरियड और 7 पीरियड थर्ड ग्रुप 89 से 103 तक रेडियोएक्टिव एलिमेंट इसी में होता है ना सारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसको हर चीज समझो यहां पे देखो हर के पीछे एक लॉजिक देके याद रखना चाहता है कि हमेशा के लिए याद हो जाए बताने तो आप सभी गाथा बता सकते हैं लिख सकते हैं ना पर ऐसा करने से क्या होता है सब रद्दी लिखाता है ना नोट्स वो नहीं कराना हम जो चीज भी कराएं सबका दिमाग में फिगर बन रहा है अभी तक तो आप लोग आंसर सही बताए टू अचीव स्टेबिलिटी टू अचीव नोबल गैस कंप्लीटेशन दिमाग में फिगर किसी का आ रहा था क्या जी फिगर आ रहा था क्या पर आप बोले कि फिगर आने लगा ना जरूर
है ना, इसीलिए है ना हर एक चीज लॉजिक दे देते हैं ना, कारण बताते तो अच्छा लगता है कि नहीं है। आगे हम बढ़े, ठीक है। अब हम बताने लगे टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्या है ये, पिछले बार क्वेश्चन चीज पूछे, ट्राई करना सबको आंसर देना, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, और याद रखना जैसे जी आप सारे आंसर सही दे सकते हो, आपने क्या बनाते हैं बहुत ज्यादा, बस हमारा बनाने कारण आप गलती हो सकता है, हमारा बनाना नहीं, बस सोच लेंगे क्या बोलना है। देर से सही, भले सही देर हो पर सही हो, है ना, जल्दबाजी करके गलत नहीं। और जब देख पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे ना, फिर जल्दबाजी क्या महा जल्दबाजी होगा, एक बार देखो कोई आंसर आएगा, एक बार देखो कोई आंसर आएगा, ठीक है। तो आगे चले हम, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज बढ़ता है कि घटता है, यही आंसर है ना, कोई बात नहीं चलेगा चलेगा। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है ना, चलो। तो थर्ड पीरियड लेते हैं, पहले पीरियड से शुरू करते हैं, पहला पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम है ना, आप सबको याद रहना सब है, सब है कि नहीं है, पहला पीरियड हाइड्रोजन हीलियम है ना, दूसरा पीरियड में क्या है, लिथियम हम पढ़ाए गलत क्या पढ़ाए तो हम सही है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज घटता है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, घटता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के नज़दीक जा रहे होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होता है, इसका रेडियस क्या होने लगता है, सिमटने लगता है, क्या होने लगता है, सिमटने लगता है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, डिक्रीज हुआ, पर तो गलत कर दी, ये वो गलत कर दी, दोनों का दोनों क्या है, गलत है, सही बताए तो, ठीक है, बताएं, चलेगी तो यहाँ पे ये आंसर अभी आप लोग खुद सही करोगे, ठीक है, बताओ टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का कोई अच्छा सा डिफिनेशन कोई बता सकते हो, जिसका साइज बड़ा रहेगा उसका रेडियस भी बड़ा रहेगा, ये डिस्कशन नहीं हुआ ना, एटम का जो डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच, हाँ इलेक्ट्रॉन रेडियस, तो ठीक है, कोई और अच्छा सा भाषा में, कोई और अच्छा भाषा में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ तक महसूस हो, है ना, धरती पे चाहे तू जहाँ भी रहेगी तेरी खुशबू से मैं पहचान लूंगा, है कि नहीं है, चाहे इलेक्ट्रॉन तू कहाँ ही भी रहे, इलेक्ट्रॉन तू कहीं भी रहे, मैं तो तुझे अट्रैक्ट करके रहूँगा, है ना, बंद कर देगी अगर मेरी आँखें फिर भी खुशबू से पहचान लूंगा धरती पे तू चाहे जहाँ भी रहेगी मैं तेरी बदबू से पहचान लूंगा, ये भगवान तावड़ पे जत्ती है। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, जहाँ तक उसका फोर्स फील हो, इलेक्ट्रॉन को क्या हो, जो एहसास हो, नहीं मेरे पास कोई है वो घिसने वाला, कौन है, घोस्ट नहीं, राज रिपुर का भूत नहीं, कौन है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन, प्रोटॉन, भाई न्यूट्रॉन के पास तो हिम्मत ही नहीं है घिसने, तो न्यूट्रल होता है ना, तो मतलब जहाँ तक उसको फील हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही क्या है एटॉमिक रेडियस, क्या है वो एटॉमिक रेडियस, है ना, इलेक्ट्रॉन फील फोर्स, है ना, कोई दिक्कत है थोड़ा सभी, आगे बढ़े हैं, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस सुनना, कोवेलेंट रेडियस आप बता देखो, एक चीज बता पर कितना चीजें आने लगा, कोवेलेंट रेडियस मतलब किसके बारे में बात करेंगे हम, अगर मैं बात करूंगा मेटालिक बॉन्ड का, मेटालिक बॉन्ड का मेटल 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 है कि नहीं है, अगर 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 मैं वैन डेर वाल रेडियस के बारे में बात करूंगा किसके बारे में हो जाएगा बात, गैस, हां गैस क्या होगा, वैन डेर वाल नोबल गैस में होता है, बस बहुत बढ़िया, तो क्या होगा वो नॉन मेटल, नॉन मेटल के पीछे बनेगा, किसके पीछे बनेगा, दो तरह का होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, कितना तरह का होता है, देखो टाइप ऑफ एटॉमिक पढ़ाने वाले रेडियस, एक कोवेलेंट, एक मेटालिक, एक वंडर वाल, एक कोवेलेंट मेटालिक और वंडर वाल, तो कोवेलेंट में दो तरह का होता है, एक होमो मॉलिक्यूलर, कौन सा, होमो मॉलिक्यूलर, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या, क्या होता है एक होमो मॉलिक्यूलर, दूसरा क्या होता है हेट्रो मॉलिक्यूलर, क्या होता है
हेट्रोमोलिकुलर इसको दिखा था थोड़ा सा भी नहीं होमोलकर है होमो का मतलब क्या होता है एक समझ एक ही जैसा बना हुआ है ना खाली हाइड्रोजन में तो क्या होगा हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन देखो एच होगा सीएल होगा एच होगा क्या होगा यहाँ से देखना है सब ठीक है तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस आने सुविधा देख रहा है तो रे होमोमोलिकुलर दो तरह का बता दिए ना हम होमोलिकुलर पहले एग्जाम्पल देते हैं क्या देते हैं होमोलिकुलर का एग्जाम्पल देखो एच टू एच एच से बना होगा ना किससे बना होगा एच और एस से बना होगा है कि नहीं है एच का इलेक्ट्रॉन को मैं इधर बड़ा करके बना देता हूँ ठीक है एक ये एच एटॉम है ठीक है नॉन मेटल है एक और ऐसे ओवरलैपिंग करके बनाता है कैसा करके बनाता है ओवरलैपिंग कर देता है इसका एक सेंटर ये हुआ इसका सेंटर क्या हुआ ये हुआ यही इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक रेडियस है ना या बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं हाँ हाँ कोवेलेंट बॉन्ड है ओवरलैपिंग क्या बनाया ऐसे नॉन मेटल ही बना तो कोवेलेंट ही होगा ना है कि नहीं है ए है तो पता है इसका एटॉमिक रेडियस कितना होगा सुनो ध्यान से फिर जब बता बॉन्ड लेंथ कितना होगा इसका ए ए होमोमोलिकुलर का एटॉमिक रेडियस कितना होता है ठीक है ना कितना होता है एटॉमिक रेडियस दो से डिवाइड कर देते हैं बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं दो से डिवाइड करते हैं इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय टू बॉन्ड लेंथ दिक्कत है नहीं ना आगे बढ़ाएगा ए है ना हम सेम सेम एटम माने एच और एच यहाँ पे ए एग्जाम्पल में एच एच भी लिख सकते थे एक जनरल एग्जाम्पल वो ले लिए डी एच बाई एच टू है कि नहीं है जनरल एग्जाम्पल ए ले लिए हम सो क्या बोलते हैं होमोमोलिकुलर कोवेलेंट रेडियस होमोमोलिकुलर कोवेलेंट रेडियस आए तो समझ में हेट्रोमोलिकुलर क्या ले लेते हैं हाँ क्या एगो एच सी एल वगैरह कुछ भी लेते हैं जनरल लेते हैं ए और बी मान लेते हैं आए समझ को मिटाए हम आगे बताया जाए चलिए चलो आगे मैं बताऊं सब देख रहे हो आगे बताया जाए ये है ठीक है अपने ए और बी लिख दिए सेम सेम नहीं है तो कौन सा हो जाएगा हेट्रोमोलिकुलर सेम सेम नहीं रहा ना तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं दोनों का बॉन्ड लेंथ जो होगा ना डी ए बी बाय टू ये से नहीं लिख सकते ये क्या हो जाएगा गलत तो कब लिखेंगे तब सेम होगा वो चीज सही नहीं है हेट्रोमोलिकुलर की वो चीज सही नहीं है हेट्रोमोलिकुलर क्या क्या होता है बता पहली बात तो ये जान दो हेट्रोमोलिकुलर में बॉन्ड डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ क्या होता है बॉन्ड लेंथ क्या होता है जान दो इसका रेडियस कितना है आर ए इसका रेडियस कितना है आर बी बॉन्ड लेंथ का क्या होता है पता है आर ए प्लस आर बी होता है आर ए प्लस आर बी कुछ चीज लिखा है तो सभी नहीं ना ठीक अगर बताया जाए इसको दिखा देगा तो सभी नहीं ना ये बॉन्ड टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जो होगा वो मतलब तो ये डाउट है कुछ कोवेलेंट रेडियस जो नॉन मेटल नॉन मेटल देता है कोवेलेंट रेडियस दो तरह का होता है मोलिकुलर हेट्रोमोलिकुलर होमोलिकुलर जब होगा ना ओवरलैपिंग करके ना बॉन्ड लेंथ बाय डिवाइडेड टू कर देंगे पर अगर हेट्रोमोलिकुलर हुआ ना क्या हुआ हेट्रोमोलिकुलर तो क्या करेंगे आर ए प्लस आर बी ये बॉन्ड लेंथ होगा हम अभी एक बता रहे हैं रेडियस का क्या हुआ हेट्रोमोलिकुलर में रेडियस का क्या होगा एटॉमिक रेडियस का बताया जाए है ना दिक्कत है क्या होगा होमवर्क है याद करना जितने सारे छोटे छोटे होमवर्क देते हैं
सब एक दिन पेज निकालेंगे लास्ट चैप्टर पर, सारा चीज मैं पूछूंगा, सारा का सारे चीजें मैं पूछूंगा। हल्के बताने तो बता दे ना, कोई दिक्कत है सभी नहीं ना? क्या हुआ भांगड़ जी, मॉडल पढ़े वाले क्यों नहीं पढ़े? पर आप लोग क्यों नहीं पढ़े, पढ़े होते कि आंसर दे पाते कि नहीं? आप लोग तो नहीं यहाँ पे मेंटली पढ़े, ठीक है आगे बताया जाए। जैसे भले मैंने बताने तो पहले भी बताया होगा, पढ़े हो पर याद क्यों नहीं रहता? एक बार हम है ना आसानी से ना लिख दिए, कुछ भी लिख दिए तो बोले हाँ समझ में आ गया, घर गए भूल गए, घर से मेहनत नहीं किया आगे, पर इस बार हम क्या कर दिए डैश कर दिए, क्या होगा माइनस यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कि कुछ और डिफरेंस यहाँ बताना है, ठीक है? तो क्या हुआ चाचू जी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में? आज भी ले लेते हैं, ठीक है आगे बताया जाए, आगे बताएं हम, तबियत खराब है, आज तो तबियत इसका बढ़ी है, अच्छा कोई बात नहीं आगे बढ़ चले हम। कोलन रेडियस खत्म कर दिया ना, हम मेटालिक बताते, क्या बताते हैं? मेटालिक। ये किसके आप कौन सा बॉन्ड बना है बताओ तो? कोवलेंट किस से विषय बनता है? नॉन मेटल मेटल होमो मॉलिक्यूलर, वो क्या लिखेंगे? आर ए बी है ना, ये कम्यू रेडियस। और हेट्रो मॉलिक्यूलर वो क्या लिखेंगे? रेट्रो कम्यू रेडियस आर बी माइनस डैश, डैश में क्या है आप लोगों को भरना है, ठीक है? अब आते हैं मेटालिक पे, पहला बता दिए कोवलेंट, दूसरा क्या है? मेटालिक। दूसरा क्या है? मेटालिक, आए समझ में? दूसरा क्या है? मेटालिक रेडियस, मेटालिक मतलब मेटल के बीच में सही बात होता है, इसमें कोई फिजिकल अटैचमेंट होता ही नहीं है ना, नो फिजिकल अटैचमेंट, बोले तो ओवरलैपिंग हो जा रहा था और मेटल में तो चिपका हुआ है, पर वंडर वाले रेडियस में नो फिजिकल अटैचमेंट, सटा हुआ भी नहीं रहता, दूर भी रहता है, दूर दूर है, बस अट्रैक्शन जो नहीं था, अट्रैक्शन या रिपल्सन उसी के बदौलत बोलते हैं क्या वो रेडियस। अच्छा बताओ जी कितना अच्छा डेफिनेशन बताओ, क्या बताते हैं एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन, हम क्या बताएं? अगर वो डिफिनेशन सही होता तो सब इसमें कभी लागू होता क्या? नहीं ना, ये एक एटम ये है और दूसरा एटम क्या है ये है, ये दोनों क्या बोलते हैं? वंडर वाल रेडियस है, क्या है? वंडर वाल रेडियस है, दूर दूर में क्या है? वंडर वाल है, तो रेडियस का असली डिफिनेशन क्या है? एटॉमिक रेडियस का कितना दूर है, क्या हो रहा है? फील हो रहा है, क्या हो रहा है? फील हो रहा है। आया तो सबसे समझ में, हमको लगता है बहुत अच्छा समझ में आया, आया है ना, ठीक है। अब हम पूछे कुछ बातें, चलो मेटालिक बॉन्ड कौन बनाता है? मेटल सब मेटल, कोवलेंट रेडियस कौन बनाएगा? नॉन मेटल, नॉन मेटल है कि नहीं? हाँ बढ़िया है जरी जी। दूसरा मेटालिक कौन बनाएगा? जेरी जी टोलू जी, गैस गैस नोबल इलेवन, ठीक है नोबल इलेवन बताने को निकल सकते हैं नोबल इलेवन। अब बताए कोवल रेडियस के साथ दिख रहा था ओवरलैपिंग क्या हुआ ना, नॉन मेटल नॉन मेटल ओवरलैपिंग करके दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, और मेटालिक कैसा दिख रहा था? चिपका बस चिपका, और नोबल वाला कैसा दिख रहा था? वंडर वाल वाला दूर दूर ना, सबसे बड़ा साइंस किसका होगा रे भाई? नोबल का, नोबल का होगा ना सबसे दूर, सबसे ज्यादा उसके बाद किसका होगा? मेटल का ना, उसके बाद किसका होगा? नॉन मेटल का ना, हम क्या बोले थे चले, इधर क्या होता है घटता है ना, इधर क्या होता है मेटल हुआ ना, ये सब क्या हुआ? नॉन मेटल हुआ ना, नॉन मेटल में कैसा है देखो तो अगर चिपका हुआ है ना, साइज तो ऐसे ऐसे है, यहाँ पे कैसा है? ऐसे है, यहाँ पे कैसा है? ऐसे है, तो देखो घट रहा है सही इधर, लेकिन ये क्या हो गया? नोबल इलेवन हो गया, यहाँ पे दूर दूर है, इसमें ये क्या हो जाएगा? सबसे आगे आ जाएगा, तो ऐसा से समझ में आया था, आया था इसी मॉडल में है भी क्या ऐसा सर? नहीं होगा, देख लो आगे बताए हम बता रहे, ठीक है लाने के लिए ना, और अगर परेशान करोगे ना तो इतना नहीं पढ़ा पाएंगे, है कि नहीं, है कि नहीं? पढ़ाने के लिए जब खड़ा रहते हैं ना पैर सब दुखता है इतना देर, है ना, इतना बोलना पड़ता, बोलने से बहुत एनर्जी खर्च होता, बहुत ज़्यादा है कि नहीं?
अच्छा आगे बताया था वो सुना सोचो जी अब आया तो ध्यान में कोई बात नहीं बच्चे होना ऐसा होता है हम भी तो बच्चे आगे बढ़े चलिए सुनो ध्यान से सुना ध्यान से लिथियम बेरिलियम क्या था बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन ठीक है ये दोनों क्या है हमारे मेटल फिगर आएगा तुमको रटने का भी आवश्यकता नहीं मेटल एक फिगर आ रहा कैसा इसका बना हुआ ओवरले हुआ ये है कि नहीं है अब फिर है ना भाई जी है कि नहीं अभी तक मतलब पता के निकल जाते हैं ना इधर घट रहा होता है ये वंडर वाल रेडियस बनाता है ना क्या बोले बता तो ये मेटल है ना क्या है मेटल तो दिमाग फिगर क्या आएगा कैसा बॉन्ड बन रहा है सटा ऐसे ऐसे है ना तो अगर नॉन मेटल हो कैसा होगा ओवरलैपिंग कर लिया और वंडर वाल क्या होगा पूरे दूर दूर भाई क्या रटना रटवा है क्या हम इसे नहीं फील आ गया ना ये सब है ना एकदम फील जिसको बोलते हैं मोरू समय में ऐसे नहीं होगा है कि नहीं आगे बताया जाए हाँ ये सब होगा इसमें ना आप दूर रहते हैं कुछ चिपका ओवर रैपिंग होता है पर फिर फिगर बना क्या दिमाग में भाई केमिस्ट्री फिर अगर फिगर बन जाना अपने बहुत बड़ा बात हो जाएगा समझा ना सब टीचर तो बोलता है फील लो खाक फील दिलाएगा है ना खुद फील में नहीं रहता है खाक फील दिलाएगा ये क्या है नॉन मेटल सर ये क्या है बताओ तो नॉन मेटल है नॉन मेटल कैसा था ओवर रैपिंग में और ये जो एक असम्पशन क्या आ गया वंडर वाल वाला क्या है दूर दूर पूरा इधर घट ही रहा था इधर क्या हो रहा था घाट रहा था अरे भाई ये सिटी कॉन्सेप्ट में लो जबरदस्त चीज है ये जय बात के क्वेश्चन है हां पूछो पी ब्लॉग में ये भी आता है नहीं और ना हां पी ब्लॉग है ये तो लंबी फोन को दी हां सो ये क्लास आगे बता जाए 15 मिनट का तो आगे कुछ चले जाए तो इतने बड़े बड़ा कारण है सॉरी नहीं और ये पी ब्लॉग है ना ना तो देखो स्टेबिलिटी है ना ये स्टेबल है सबसे डिफरेंट है ये क्या है स्टेबिलिटी है इसका आर्टन एक बार और हम कुछ बोलना चाहते हैं सुना ध्यान से ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था ये शेयरिंग कर रहा था ये क्या कर रहा था गेन कर रहा था ये भी क्या कर रहा था गेन कर रहा था ये क्या कर रहा था गेन कर रहा था बट ये क्या कर रहा था क्या हुआ समझ नहीं आ रहा इसका तो पूरा फुल फील्ड था ना ही गेन कर रहा था ना ही लॉस कर रहा था कि नहीं सबसे अलग माना जाएगा तो पूरा स्टेबल अपने आप में है ना पी ब्लॉक में तो आता है पर ये रिएक्शन नहीं करता असम्पशन एक दो है वो पी ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा जेनॉन का एक दो है कि नहीं है वो एकदम पूरा डिफरेंट बात है ये सबसे कम अनरिएक्टिव कौन है ये है पूरा क्या है स्टेबल है पी ब्लॉक में तो आता है पर ये क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल है तो कुछ खास बात इसमें होगा ही ना सर इधर क्या हो रहा था घट रहा था क्या हो रहा था घट रहा था आगे क्या होगा लिथियम उसके बाद क्या होगा इधर घटा सब घटते जाएगा पर आशा हमारा क्या हो गया गलत हो गया तो नियॉन क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा फिर क्या होगा लिथियम फिर क्या होगा बेरिलियम फिर क्या होगा बोरॉन फिर क्या होगा कार्बन फिर क्या होगा नाइट्रोजन फिर क्या होगा ऑक्सीजन फिर क्या होगा अब बोलो क्या बोल रहे हैं नॉन मेटल कौन है इसमें से आया तो बड़ा समझ में बहुत इम्पोर्टेंट है नेट जी दोनों के लिए याद रखना हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड दूसरा हीलियम इधर साइज तो घटना चाहिए ये बड़ा हो जाएगा ना पर यहाँ दो ही है ना ये नोबल इलेवन इससे सबसे बड़ा साइज कैसा हो जाएगा नोबल इलेवन नोबल हीलियम क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा है ना ये हो जाएगा एक मिनट नोबल गैस आगे आ जाता है नोबल गैस का साइज ज्यादा बड़ा हो गया नोबल इलेवन हमसे क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा इसको मन यहाँ क्लास से निकल जाए एकदम निकल जाए नोबल इलेवन
जाओ तुम लोग बोले यहाँ मतलब नॉर्मल इलेवन क्या बोले नॉर्मल इलेवन क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो तुम लोग क्या कर रहे नॉर्मल इलेवन नॉर्मल इलेवन क्या बोले आगे हो जाएगा ठीक है तो नहीं पढ़ना तो जब कोई रोका नहीं है डिस्टर्ब करे अपना क्लास नॉर्मल इलेवन क्या करे बताऊँ नॉर्मल इलेवन क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा तो रेडियस का क्या हो जाएगा एटोमिक रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा एटोमिक रेडियस का ऑर्डर सबसे आगे क्या हो जाएगा वंडरवाल्स रेडियस एक बार से सबसे मेहनत नहीं हो सकता बस एक दिन एक साथ में रह सकता हूँ डेटा उसमें नहीं रह सकता अगर नहीं जाता मैं सभी का नीट में फर्स्ट एन जे में फर्स्ट निकाल जाता वही तो मैं समझ पाता हूँ तो बहुत बच्चों को एक्साइट किया 40 से 47 बच्चे को किया पर उसमें से बस 12-15 का सबसे बेस्ट रिजल्ट हो पाए और बाकी का कुछ नहीं हो पाए प्राइवेट में गए या फिर अभी कंपेसन कर रहे हैं उनको मैंने हुआ ही कॉन्टैक्ट किया मेरे क्लास में सीरियस हो नहीं रहे और जो सीरियस में ऑर्डिनरी 7000 आया जो पढ़ाई के साथ जो करेगा पढ़ाई उसके साथ जो कर देगा है ना मेटालिक रेडियस उसके बाद फिर क्या होगा वॉलेंट रेडियस वंडर वाल रेडियस फिर क्या हो जाएगा मेटालिक फिर क्या होगा कोवेलेंट क्या ना ये ऑर्डर याद रखना क्या कौन सा ऑर्डर अच्छा होगा कौन सा मेरा कोई फायदा हो गया आगे भी चलो ठीक है चुतु जी बाबा सिंह आगे बताएं तो है ना और भी पढ़े पढ़ा दिया गया कि सब बात इतना अच्छे से बताया गया था क्या नहीं ना यहाँ सीख रहे हैं तो अच्छे सीखना चाहिए क्या ढोकला सिंह तीसरा कल खत्म कर दिए गए थे वहाँ पे भी पर तीसरा बताए थे क्या तो फिगर बना क्या दिमाग में कि अगर नॉन मेटल का बात होगा है ना अगर नॉन मेटल का बात होगा दिमाग में किसे ओवरलोडिंग आएगा दिमाग में आया था क्या कभी क्या बोलते हैं अरे क्या था पता नहीं है ना ऐसे करके करते अभी क्या फिगर बनने लगा क्या बनने लगा फिगर बनने लगा ठीक है तो आगे बताए आगे बढ़ते हैं आया तो चुटी समझ में कोई दिक्कत नहीं ना आगे बढ़े हम ठीक है चलो क्वेश्चन देखो आप वो क्वेश्चन कैसे आया ठीक है तो बताएं थोड़ा सा समझ में आ चलता है पर ना जो कॉन्सेप्ट देते हैं ना कॉन्सेप्ट हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हर जगह पर इस तरह दे पाया क्या फिगर तो कभी नहीं बनता होगा तो हम खुद भाई हम बहुत जल्द को देखते एक दो दिन गए है ना कहीं ठीक है कारण नहीं जा पाए कहीं अगर गए तो पसंद नहीं आया है कि नहीं है तो देखे ना फिगर कभी नहीं एकदम रटा दिया था कि नियॉन सबसे आगे आएगा क्यों क्योंकि वंडर वाल रेडियस है मानते चलो रीजन तो आप बता दिए क्या बता दिए वंडर वाल रेडियस है भाई फिगर भी तो बनना चाहिए कितना रटेगी इनऑर्गेनिक इन्होंने तो पूरा रटना ही है पूरा बही खाता है एकदम भरा पड़ा है पर क्या करते देखो फिगर कैसे बना भी वंडर वाल के दिमाग कैसा बनेगा दो दो बड़ा सर्कल दूर दूर रटना पड़ेगा क्या अभी तक ढूंढ के देखना कहीं कौन सा वैसा दिया है क्या देखना है ना इसका तुम्हें गारंटी जो हम पे ब्लाइंड बिलीव किया है तो गारंटी देता हूँ मैं उसका अगला साल रिजल्ट होगा तो फेस उसका दिया है कि नहीं दिया हूँ जो जो मेरे को भरोसा किया है इस बार चले तो आगे चलो हाँ एक बात है जो बताता हूँ पूरा हंसी कल जैसे मस्ती कराए थे हम है ना पर जब बता रहे हैं वहाँ पर कह रहे ना एकदम खुद में हंसी मजाक कर रहा था ढोकला सिंह जेरी जी है कि नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट का टाइम है तो सीरियस होना होगा ना तो एक बार निकल जाओ फिर दो आना एक्साइटमेंट से नहीं बता पाते हैं मन नहीं करता ना खराब लगता है पर भाई सच में जिंदगी तो तुम लोग का सवाल है ना मेरा तो क्या मेरा तो करना ही करना जो भी होगा तुम लोग के लिए आखिर तो पैसा फिर वेस्ट पैसा वेस्ट होगा टाइम वेस्ट होगा समाज क्या बोलेगा समाज तो छोड़ो खुद क्या रहोगे है ना खुद आप सोचेगा आई एम फेलियर आई अगर बोलना चाहते हो आई एम सक्सेसफुल पर्सन तो भाई यहाँ पे एकदम क्या करो कॉन्सेंट्रेट करो ठीक है ना क्या करो कॉन्सेंट्रेट करो जिंदगी बस एक बार मेहनत करो लाइफ पूरा मस्ती से कटोगे अगर अभी मस्ती करोगे तो लाइफ पूरा ना क्या बोलते हैं जबरदस्ती से कटोगे यहाँ मस्ती करोगे लाइफ कैसा कटेगा जबरदस्ती से कटेगा यहाँ जबरदस्ती करके मन के साथ करोगे लाइफ के साथ कटेगा मस्ती से कटेगा है ना ऐसे भी क्वार्ट्स में और लिखो आगे चले तो हम क्वेश्चन दे हम क्वेश्चन कराना है क्वेश्चन बहुत लेके आया हूँ ठीक है तो कराए तो गलती करेंगे बच्चे हैं तो गलती किया था मेरा सबसे पहला पॉइंट वही लिखा था गलती की नहीं जाती गलती हो जाती है गलती की नहीं जाती गलती हो जाती है ये समझते हैं बट अब बड़े हो ना आप लोग थोड़े से तो बड़े हो है ना छोटे इतने बच्चे भी नहीं क्या है
छोटी बच्ची हो क्या है कि नहीं आगे बढ़े तो क्वेश्चन दे हम अच्छा बिल्कुल से दे देता हूँ क्वेश्चन उसके बाद आते हैं फिर वैसे लेते क्वेश्चन पे कुछ फिर दो करोगे सारे आर यू एक्साइटेड चिल्ला कर ओके चलो ठीक है अब बढ़िया ठीक है अब बढ़िया क्या मिल गया है सोचिए को समझ नहीं आ रहा हंसते हैं क्या मिला है इसको चलो दूसरा देखो 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 कितना मजा आएगा अभी पहला पीरियड दूसरा पीरियड तीसरा पीरियड तीनों का एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर पे सजा के दिखा दो क्या आपको एलिमेंट का नाम बोलना पड़ेगा क्या नहीं, नहीं बोलना पड़ेगा ना क्यों नहीं बोला हम रटवा चुके हैं पहला पीरियड में क्या है हाइड्रोजन और हीलियम दूसरा पीरियड में क्या है लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन तीसरा में क्या है सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन आर्गन तुम्हारा लास्ट है कि नहीं है सब में बस कौन आगे आ जाएगा आर्गन वाला आ गया नोबेल गैस वाला आ गया हो गया ना देखना प्रीवियस में क्वेश्चन है कि नहीं और भाई इसी को रटवा देता है हम रटवाएं क्या ना एलिमेंट का नाम लिखे ना पीरियड ग्रुप खड़े क्या बोले भाई एक पीरियड का सजा दो खुद बोल दिए है ना फिगर सच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है हम बोलेंगे कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसका दिमाग में किसके बराबर हो जाएगा आर्गन के बराबर हो जाएगा फिगर बना कि नहीं बना हाँ साथ आर्गन के नजदीक है ना सारे बातें क्लियर हुए कि नहीं हुए भाई विजुलाइजेशन बहुत सब बोलता है ना कि अच्छे से सर कैसे याद कर पाएंगे अच्छे से तो सब क्या बोलता है पता है कि ना विजुलाइजेशन करो सब यही मानता है क्या मानता है विजुलाइजेशन करो भाई कराओ ना कराते क्यों नहीं क्या बोलते कैसे विजुलाइज करें अब हम करेंगे जड़ से कैसे एरेनेशन होता है ना बायोलॉजी में कि हवा अंदर जाता है पूरा ज्यादा एरेनेशन होता है पानी पूरा बहा दिया वाटर लॉगिंग कर दिया क्या क्या बात हो गया तो विजुलाइज करो इसको अरे यूजलाइज करो ना इसको रे क्या यूजलाइज करे भाई है ना कुछ विजुलाइज हो ही नहीं रहा है खाली बोल दे रहा है यूजलाइज करने बोल रहा है ऐसे होता है क्या विजुलाइज है ना बोलेंगे है ना क्लास में क्या कर रहे इसे टुकुर देख रहे तो पूरा यूजलाइज हो गया कि उसको मन से किया गया था इससे भी जब मन से करेंगे तब ना विजुलाइज होगा यही कारण नहीं विजुलाइज हो पाता आगे बढ़े हम क्वेश्चन शुरू करें क्वेश्चन ढेर सारा लाए हैं है ना जी ठीक है क्वेश्चन शुरू करें हम चलो चलो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए मेरी ओर से द स्क्रीन इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन एक चीज और बताना रह गया थोड़ा सा स्क्रीनिंग का हालांकि और एक्सप्लेन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में पता भी सुन लेना सबसे ज्यादा स्क्रीन फिर ना एस का होता है सबसे ज्यादा किसका होता है एस का फिर पी का होता है फिर किसका होता है डी का होता है सबसे कम किसका होता है एफ का होता है ना सबसे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट सब पुअर शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम किसका होता है तो एफ का होता है एक क्वेश्चन देखे जा रहे हैं आप लोग व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट व्हाट इज पुअरिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट ये क्वेश्चन है होमवर्क में क्या है व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट और ऑर्डर क्या है सुनेंगे सब ज्यादा सीरियल में किसका होगा एस का उसका किसका होगा पी का उसका किसका होगा डी का उसका किसका होगा एफ है किसका ऑर्डर है सीलिंग इफेक्ट ऑर्डर एंड होमवर्क है सीलिंग इफेक्ट ऑर्डर क्या होता है कौन सा समझा पाते हैं या वो लिख के आते हो सीलिंग इफेक्ट ऑर्डर नहीं बोल रहे होमवर्क है ना थोड़ा देखेंगे थोड़ा मेहनत करते ना और अच्छा लगता है कि सर कुछ हम करके आए आगे बढ़े हम इसको मिटा दे पहला क्वेश्चन मेरा ये है ना अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस सोडियम रुबिडियम पोटेशियम मैग्नीशियम अरेंज किस में करना है ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा इंक्रीजिंग रखना है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक क्या दिक्कत है कैसा में सोडियम के बाद क्या बोले मैग्नीशियम उसके बाद क्या बोले पोटेशियम हम ऑप्शन देते हैं बालों का आंसर बता इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम ना छोटा से बड़ा ना तो सोडियम में इधर आ हाँ सही बोल रहे सबसे कम वाला प्रे लिखेंगे ना हम ऑप्शन दे रहे आंसर बताओ आप लोग
फोर्थ ऑप्शन भैया फर्स्ट ऑप्शन भाग जी जी भैया नहीं क्या बोला था फोर्थ क्या लग रहा है ए बी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है एवरी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है भैया लेकिन भाई कॉन्सेप्ट सिखाए हैं ना भैया फोर्थ ऑप्शन मेरा भाग जी का फोर्थ ऑप्शन डोगला सिंह फोर्थ ऑप्शन भाग जी का कौन सा बॉर्डर कौन सा बोले हम इंक्रीजिंग ना छोटा सा सबसे बड़ा ना भैया छोटा से बड़ा हाँ छोटा से बड़ा इंक्रीजिंग का मतलब क्या था छोटा से बड़ा क्या बोले ए नंबर होगा ए नंबर होगा अच्छा देखते हैं नंबर कहाँ से ए नंबर होगा छोटा से बड़ा का मतलब नहीं समझते हो एक आता है सबसे पहले की चार आता है सबसे पहले एक आता है तो ऐसे लिखते हैं ना इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले तो इसको छोड़ो आंसर है ना ये ग्रुप का कौन सा है तरीका जो कैसे सॉल्व करते सब एक ग्रुप का कौन सा है सोडियम सोडियम पोटेशियम एक ग्रुप का है कि नहीं है पहले एक ग्रुप का देखो बाद में दूसरे ग्रुप का देखना पहले एक ग्रुप का है ना तीनों सबसे पहले कौन आता है सोडियम ना लिथियम का लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसियम ट्रांसियम है कि नहीं है सबसे पहले कौन है सोडियम है ना उसके बाद कौन है पोटेशियम उसके बाद रुबिडियम नीचे साइज बढ़ता है कि घटता है बढ़ता है रुबिडियम का सबसे ज्यादा उससे कम किसका पोटेशियम का उसके बाद क्या सोडियम का है कि नहीं है और भाई और इधर साइज घटता था कि बढ़ता था घटता था ना आया समझ में ठीक है तो आया कि नहीं आया समझ में पहले कैसे हम सॉल्व कैसे किए देखे ना लास्ट में दो कट कर दिए बचा दो ही बचा ना दो ही चलो आगे चले इसको बोल सकते फ्लोइंग पेयर ऑफ इलेमेंट एलोन्स हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस सारे कोई बच्चे लिखो सारे को ये होमवर्क में है कुछ कुछ चीजें मैं होमवर्क में दिखा चुके आप लोग करते हो या नहीं करते हो मैं चेक करूंगा और दूसरी बात है जितना सारे होमवर्क में चैप्टर खत्म हो उस दिन मैं पेज निकालूंगा सारा डिस्कस करूंगा फ्लोइंग है सिमिलर एटॉमिक रेडियस और कमेंट में कर सकते हो अगर आंसर आ गया है तो जीरोम मैंने ये सब चीज़ें पढ़ाई भी दी सिकल होमवर्क दे रहा हूँ तीसरा कोबाल ट्विटर चौथा ऑल आउट मिक्स ऑल आउट सिंगल ऑफ न्यू मेटर मैं तो अभी नहीं बताऊँगा डी ब्लॉक लेमस प्लेम को याद कराना उससे बाद ही तो इसमें मैं आऊँगा है ना अगला क्वेश्चन ये होमवर्क में पीरियड में क्या सब सकता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है लेफ्ट टू राइट घटता है ना बस कौन आया था बस वो आगे आ जाएगा ना ग्रुप में भी कुछ इस तरह सेक्शन होंगे ऑब्वियसली होंगे ही होंगे ग्रुप नंबर 13 में सेक्शन ग्रुप नंबर 13 में इसमें बता दो ग्रुप नंबर 13 में बोलता है ना सबसे कुछ बड़ा खास नहीं होता है बता देता है ना एक एक बार ये एक बार इसको एक बार उसको तो पूरा क्या कर देता है कंफ्यूजन कर देता है ग्रुप में कोई असर नहीं है कौन सा है बस ग्रुप नंबर 13 में और जो है डी ब्लॉक में है डी ब्लॉक तो हम अलग से बताएंगे तो कुछ आंसर ही नहीं रहा ग्रुप में बस कौन सा याद रखना है पी ब्लॉक में एस ब्लॉक में तो असर है ही नहीं पी ब्लॉक में कौन हो जाएगा 13वां नंबर में और सब क्या जनरल नीचे सबको क्या करेंगे बढ़ा देंगे सबको क्या कर देंगे बढ़ा देंगे और पीरियड में क्या सबको हटा देंगे बस किसको आगे करेंगे नोबल को आगे कर देंगे बस इसको आगे करेंगे नोबल को आगे कर देंगे और ग्रुप में बस सिंपल सा नीचे बढ़ते जाएगा नीचे क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा कोई दिक्कत है बस कौन सा ग्रुप सबसे तेरहवां बस हो गया ठीक है अभी क्वेश्चन के साथ ही करा दूंगा अगला क्वेश्चन ये लिख रही है ना
चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया है, द स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोले? द स्क्रीनिंग इफेक्ट, द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ टी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, अब टी इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं इसे, इज सुना ध्यान से, पहला ऑप्शन है इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन, मैं वर्ड के नहीं सिंबल के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन, दूसरा पी नंबर, इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन, मच मोर देन पी इलेक्ट्रॉन, है ना, मोर देन पी इलेक्ट्रॉन, मोर देन पी इलेक्ट्रॉन। अभी मेरा क्लास में कौन ध्यान नहीं सुना था, अभी आंसर करेंगे बच्चे, क्लियर? सी नंबर सेम एज एफ इलेक्ट्रॉन, सेम एज एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चौथा लेस देन पी इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया है ना, ऐसा क्या हो जाएगा? अभी तो ना समझ आया किसका होता है, एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है ना, पी से तो कम है। अच्छा सुने तब ना आंसर कर पा रहे हो, है कि नहीं, आया तो समझ में और भी ऐसे पिछले सारे क्वेश्चन लगे क्या पता करो, एक्चुअली तो पी एफ में ज्यादा होता है, पी में कम होता है, उससे कम एस में भी, हां पी डी एफ, हां बस 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 वही तो पूछे, पी से ज्यादा पी में, डी से ज्यादा पी में होता है, हां हां डी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन दे, अच्छा क्वेश्चन तो आया हुआ है, क्वेश्चन इसीलिए बोल दिया, अच्छा कोई बड़ा खास क्वेश्चन नहीं है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नॉट बोले हैं ध्यान देना, इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, क्या जेरी जी होगा कि नहीं हिमांशु, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, क्या टॉम जी है ना, पहला ऑप्शन क्लोरीन माइनस वन, पीपी पावर माइनस थ्री, है ना, आगे सब पैटर्न के नंबर तो याद है ना, तो आप लोगों को कि बता दे सबका याद, बता देते हैं अभी एन थ्री माइनस, है ना, नियॉन, है ना, मैग्नीशियम प्लस टू, सी नंबर, बीपी पावर प्लस थ्री, हीलियम, लिथियम, लिथियम पे प्लस पावर, डी नंबर एन थ्री पे पावर माइनस थ्री, एच पे पावर माइनस टू, क्लोरीन पे पावर माइनस फोर, फोर फोर भैया, फोर फोर भैया, फोर नंबर। अच्छा हाँ, सबको हमको जानना जरूरी थोड़ी है, अगर सर हमको पूछा कि नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोला फोर, नॉट आइसो, सब तो सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, नहीं ये डी नंबर है ना, हाँ डी नंबर, डी नंबर है वो सब तीनों नहीं है, कितना होता है सल्फर सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर सोलह, ये अठारह, ये अठारह, ये दस है, ये दो ही होता है, लिथियम एक लॉस का लिथियम हो गया, आएगा ऐसे समझ में नहीं आया है ना, क्लासेस जो नहीं की उसके दिमाग से तो जाएगा ये सब चीज़ के ऊपर, है कि नहीं है, लेकिन मैं हल्के में लेके बताया हूँ, समझे सब बहुत में अच्छे और अच्छे से बताया गया है, है कि नहीं बाबा सिंह, नहीं आ रहा समझ में, मार्क नंबर बता, क्या हुआ क्या हुआ बता रहा है, क्या बोलो, मार्क नंबर और जो ऊपर पावर लिखा हो प्लस कर देंगे, हाँ प्लस कर देंगे तो प्लस जब होगा ना माइनस करते, जब माइनस होगा तब प्लस करते हैं, एक बार वीडियो देखना इसके पिछले वाला, ठीक है, सारी चीज़ें दिया हुआ है ना, इसलिए हमारे क्लास में हम तो करके आनंद का आंसर नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, आगे बढ़े हम बढ़े थोड़े, एक और क्वेश्चन करो लास्ट क्लास में, बना तो जरा लगता है क्वेश्चन दे तो अच्छा खासा एकदम जी, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखते कौन सा आंसर कर पा रहे, जिन्होंने टाइम देख लिया क्लास का कितना हो रहा है,
जिन्होंने थकावट का मेंशन किया, नीक उससे मेंशन करेगा कि भाई यू आर नॉट सेलेक्टेड इन माय मेरिट लिस्ट, जे उसको बताएगा वी हैव नॉट गेट ए गुड इंजीनियरिंग कॉलेज विच द फ्लोइंग एसीडी विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस मेरे क्लास में बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चे थे पर मेहनत नहीं की उस सब, है ना, या तो कोई एसएससी कर रहा है या तो कोई सड़क पर फॉर्म फॉर्म कर रहा है ना, और जिन्होंने की आई टी रुकी में है एक डी यू में कर रहा है ना, आई टी गुवाहाटी में एक आई टी खड़गपुर में है ना, डिफरेंस है, उसे मेहनत की आई टी रुकी में जो कि उसको असली में बताया जाए तो पहले उतना इंटेलिजेंट नहीं था, मेहनत करके इतना मेहनत किया कि आई टी रुकी में है आज वो, है ना, मेहनत का ही नतीजा है। Which of the following has largest radius? मेरे क्लास में एक लड़की थी जो बहुत बनती थी, बहुत ज़्यादा, है ना, अभी मेडिकल में क्या बोलती है पता है वो, ना आयुर्वेदा मिल जाएगा ना, बहुत एम बी एस बी डी एस छोड़ दो, क्या बोल रहा है हमको हर बार, हाँ बी एच एम एस भी मिल जाए ना, बहुत है ये हालत हो चुका है क्योंकि एलर्ट तो क्या ले लिया जॉब मिलेगी, मतलब पढ़ने में एंड किया एलर्ट दिखा दी, है ना, क्या दिखा दी भाई हमको सब ये करना तो कर ये लेंगे सब, ऐसे ही हाथ से मजाक करते रहेंगे, हो गया आज क्या बोलता है तुमको बी एच एम एस मिल जाए तो मैं कर लूँगी, बी डी एस तक नहीं सोच पा रहे, और भाई हमें तो छोड़ रखना, क्या बताऊँ मैंने तो छोड़ रखना, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस, है कि नहीं भाई, मेहनत करूँ तो मजा आए ना, किसी से मजा नहीं है, अरे बहुत मजा आएगा, शरीर दुखेगा सर दुखेगा ना, और फिर क्वेश्चन बना रहे हो गए ना, तो ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पेरेंट्स कैसे मेहनत करता है, सर दुखता है वो है ना, फ्री बोलता है खुद का कमी कैसे पैसा, बट तुम्हारा कभी कभी मूल्य में देता है क्या, कल कोई लड़का बोला है ना हजार को बोला था पापा हमको कम में पैसा चाहिए, कहाँ से किया हमको नहीं पता, पर पैसा ट्रांसफर करा दे कॉल आता है कि मेरा बेटा को बोल दीजिएगा क्या पैसा मैंने भेजा दिया है, कहाँ से कराया उन चीज़ में होगा भी कि नहीं होगा, पर क्या कि पैसा तुरंत भेज दिया है कि नहीं, पेरेंट्स के पास हो या ना हो इंतजाम करके क्या करता है तुरंत भेज देता है, और हम लोग क्या है कि हाँ भू हाय सुंदरी हाय परम सुंदर हाय परम सुंदरी करके रह जाते हैं, है ना, क्लास में हाँ ही करते रह जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बताए कोई रेजन अगर, और पापा इसके लिए पैसा देते हैं हाँ ही के लिए देते इसी चीज़ के लिए किए और ये चीज़ नहीं करते है कि नहीं, यार नहीं पेरेंट्स के गुंडा नहीं है, और ना मेरे साथ होके बाजी है, किसके साथ होके बाजी है, आपके लाइफ के साथ होके बाजी है ना, फिर रिजल्ट के साथ होके बाजी, जिस दिन का रिजल्ट आएगा और जेई का रिजल्ट आएगा ना उस दिन बोलना कहाँ से मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्लास बढ़ना नहीं आना चाहिए, भरोसा एक ही बार पेरेंट्स करता है, वैसे वैसे पेरेंट्स सब तीन बार करेगा दो बार करेगा उसके बाद नहीं करेगा, बोले चला घर आ बेल चला है कि नहीं, क्या कहेगा बेल चला है ना, हट मत करो, जो भरोसा अगर किया है ना पेरेंट्स एक बार उसको भी निभाए रहे, और उसके लिए भाई थोड़ा सा तो कष्ट होगा है ना, इसमें सही बताते हैं जो कभी दुख नहीं देखा खुशी का कहाँ मजा आएगा, है कि नहीं है, जो कभी शरीर दर्द नहीं किया वो दवाई का मजा कहाँ पर ले पाएगा, है कि नहीं है, जो कभी कॉन्सेप्ट नहीं सीखा क्वेश्चन का मजा कहाँ से ले पाएगा, आप सब बोले भैया हम तो ड्रॉपर हम लोग हैं हम क्वेश्चन का मजा नहीं ले पा रहे हैं, भाई क्यों नहीं ले पा रहे, कॉन्सेप्ट कभी सीखे नहीं हो, अब तो मजा आ रहा है ना जो चीज़ बता रहा है कि नहीं है, रात है तभी सुबह है कि नहीं है, जहाँ अंधेरा रहता वही तो उजाला का आशा करते हैं, है कि नहीं है, जो पतला रहता वही तो मोटा होने का कोशिश करता है, जो मोटा आता वही तो पतला होने का कोशिश करता है, और इसका रिजल्ट खराब है वही तो कोशिश करेगा अच्छा करने का, जो आज तक कभी टॉप नहीं किया था तो लास्ट मौका में कॉलेज चल जाओ फिर क्या पूछने वाला, बोले कॉलेज चल गया ना बस कॉलेज ही भर में रहोगे, अभी तो सब पूछेगा, देखो कॉलेज का लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे क्या करते बहुत मायने रखता है, पर घर वाला सब क्या पूछता है बर्मा की कर ही दे है कि नहीं है, क्या पूछता है बर्मा में क्या किया है ना, नीट में कैसा हुआ, नीट वाला पूरा दुनिया देखेगा, वो तो बस कॉलेज दिला रहा है, पर कॉलेज तो लाइफ सेटल कर रहा था, पर कॉलेज वाला नहीं पूछता ज़्यादा है कि नहीं है भाई, थोड़ा कष्ट कर लो बस कुछ महीना फिर देखना जिंदगी में मजा ही मजा, क्या बना है कि सीडी कोट नया बना है, अभी जबरदस्ती करोगे तो लाइफ में मस्ती से कटेगा, लाइफ मस्ती से कटेगा, अभी मस्ती करोगे तो लाइफ जबरदस्ती से कटेगा है कि नहीं, आगे बताएं, चलो बीच ऑफ फ्रेंड है लार्जेस्ट रेडियस, ठीक है भाई बताएं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको एक अच्छा क्वेश्चन लगा है ना, अब बताओ उसका आंसर, हमको एक अच्छा क्वेश्चन लगा, 1H2 2H2 2B6 3H2 दूसरा 1H2 2H2 2P6
मैंने एक तो इसको बहुत तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सही है गलत नहीं है, मैग्नीशियम का 12 नहीं होता है ना, सोडियम थोड़ी लिख रहे 3s1 जो लिखेंगे, नहीं नहीं आप लिखिए क्वेश्चन में ना। क्या काम पूछना दे दीजिए, 2s1s2 2s2 2p6 मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कंपोजिशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है, मैग्नीशियम का एगो सोडियम का 1s2 2s2 80 नंबर हो जाएगा इसका। अभी आगे और है अच्छे से आंसर देना, ऐसे नहीं आंसर ऐसे नहीं क्वेश्चन बोले तो, अगर हम बोल रहे हैं अच्छा क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन है 1s2 तो सोचने वाला क्वेश्चन है 1s2 2s2 2p6 अरे ऐसा एक्सप्रेशन देंगे मजा आ जाएगा, आंसर बोलो ना 3s2 3p5s2 आंसर एकदम मजा दे देंगे, एकदम मजा देंगे ऐसा मजा देंगे, सब में बता दें एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन शायद होगा भी नहीं है। हाँ वेरी गुड अच्छा लगा है ना, कौन सा सिक्स में है आपको और कोई डी नहीं अपना आंसर बोलो ना, कुछ हो आंसर आ रहा है सब सही नहीं है डी अच्छा और क्लोरीन होगा पहले भाई ये कौन सा ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का, ये कौन सा ग्रुप का है, तेरा ग्रुप का, ये कौन सा ग्रुप का है, क्या बोलते तेरा कौन सा ग्रुप का है, 15 ग्रुप वाला है कि नहीं, 1 2 3 15 16 ग्रुप का है तेरा, 14 15 ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप का है, 17 ग्रुप का है ना, 16 ग्रुप का है, 17 किए भी क्या हम, क्या बोलते इधर क्या होता है घटता है ना, इधर क्या होता है घटता है, आयरन कैसे समझे देखे कि नहीं देखे, क्या बोलने की जरूरत है क्या कुछ है ना, हम तो देखो ग्रुप चीज सिखाया था, ग्रुप से कितना कुछ सिखा दिया पता है, इसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन पता है, क्या बोलता है ये 3s है ना, ये 3p है, ये 3p है, क्या क्या से क्या बोलता है हमको नहीं पता, उसे हमको जानना भी नहीं, हमको क्या जानना, हमको आंसर से मतलब है, हम क्या बोलेंगे ये ग्रुप है ना, ग्रुप हमको पता है इधर क्या होता है घटता है, बस ग्रुप में कौन सा आ गया था पीरियड वाला पीरियड ऐसे इधर कौन आ गया आता है, बस कौन आ गया आता है, बस इनर्ट गैसेस आगे आ जाते हैं, तो फिर सेकेंड ग्रुप का हुआ ना, इसे तो पी ब्लॉक ऐसे तो जाएगा कम होने हैं नोबेल इलेमेंट को छोड़ के, है कि नहीं है आंसर तो ये हो जाएगा ना, नहीं है समझ में कि मैग्नीशियम और किसी को दिक्कत है, क्या है सेकंड ग्रुप का है ना मैग्नीशियम है ये, मैग्नीशियम है ही नहीं, अगर एक क्या हो जाता नहीं है वो हमेशा अलग रहता है, ये होता है कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, 12 एटॉमिक नंबर है सर, दूसरा ग्रुप का है पीरियड नंबर थर्ड, पीरियड थर्ड ग्रुप दूसरा एस ब्लॉक पीरियड थर्ड, कौन कौन सा आता है लिथियम एंड पीरियड थर्ड में कौन आता है, कौन कौन सा आता है सोडियम और मैग्नीशियम, ये S1 पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप का दूसरा ग्रुप है ना, ग्रुप देखना है, हाँ ग्रुप नहीं देखे दूसरा, ग्रुप दूसरा देखे पीरियड थर्ड देखे, है कि नहीं है, बस हो गया ग्रुप, और एक बार पहली बात है ना, पहला अगर ग्रुप का है ना दूसरा ग्रुप में कंपेयर कर, हमें हमेशा जीतेगा पहला ग्रुप वाला, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप में कंपेयर करेंगे तो कौन जीतेगा, पहला ग्रुप चाहे भले यहाँ का नीचे वाला ले ऊपर वाला ले उधर का नीचे वाला ले, बोले इधर तो बढ़ रहा है क्या हुआ, तो दूसरा ग्रुप का है ना वो, हमेशा कौन जीतेगा पहला ग्रुप, मेरा मानने का ये है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम रोडियम सीसियम फ्रांसियम इधर क्या है घटता है,
क्या बोले अगर सेकंड ग्रुप का सेकंड पीरियड लेंगे हाँ। और थर्ड फर्स्ट ग्रुप का फिफ्थ पीरियड लेंगे तो फिर भी फर्स्ट वाला जीतेगा वैसे भैया मुझे नहीं पता कि कमी सही बढ़ता है सही बोले बढ़ता है ना पर पहला ग्रुप का क्या होगा इंक्रीज होगा असल अच्छा डाउट पूछा है आई लाइक योर डाउट्स होमवर्क मेरा आप लोग पढ़ो पहले क्वेश्चन रिपीट करो जैसे बोले बार अच्छा क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हाँ। तो हमारे एटॉमिक साइज घटता है हाँ, ठीक हाँ। है तो वही चीज अगर हम लेफ्ट अगर टॉप से डाउन की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है हाँ। लेकिन भैया बोल रहे हैं कि ग्रुप वन का जो होता है रेडियस हमेशा ग्रुप टू से बड़ा होता है हाँ। ठीक है तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम ग्रुप वन का अगर सेकेंड पीरियड ग्रुप वन का अगर फिफ्थ पीरियड लेंगे और सेकेंड पीरियड का हम अगर सेकेंड पीरियड लेंगे सेकेंड ग्रुप का सेकेंड पीरियड लेंगे तो हमको दोनों में बताइए कि किसका साइज बड़ा होगा फर्स्ट का फर्स्ट का फर्स्ट का क्या होगा आप ये बताइए हां हां जरूर 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 पहली बात तो ये होमवर्क मेरा है फर्स्ट डे और आप जो जितना ही हुआ मैं बोला था ना मैं सब चीज क्लियर कर दूंगा बस मेरी पूरा बातें सुनना है मैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताऊंगा ना वहां पे अच्छे से क्लियर करूंगा पहला बाप बाप होता है बेटा कितना भी बड़ा हो जाए क्या हो उसके चरणों में ही रहेगा ठीक है तो उसके चरणों में ही रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव मैथ का आंसर बहुत अच्छे से दिया जाएगा अब कुछ सोच समझ के यार कंटेंट तैयार करते हैं ना कुछ सोच समझ के ही रखते हैं पता था ये डाउट यहाँ आ सकता है जब तुम्हें बोला कि पहला का पहला ही जीतेगा है ना सस्पेंस क्रिएट करते हैं भले ये मूवी नहीं है भाई मूवी तो रील होता है ये तो रियल है और मूवी कहाँ से रील से रियल नहीं जाता रियल से रील जाता है मूवी जो बनता है किससे जाता है रियल टू रील जाता है पर सोचता कहाँ है ना ये मेरी जिंदगी मतलब भाई जिंदगी से ही हो गया है समझे कि नहीं समझे कोई दिक्कत है तो सभी आगे बढ़े लास्ट में बताते हैं ठीक है याद रखना इस चीज को आपका आंसर ना बहुत अच्छे से दिया जाएगा किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखना है बहुत अच्छे से दिया जाएगा हम ना आपको सेकंड पीरियड बोले ना आप फर्स्ट ग्रुप लेंगे और नहीं दूसरे वाला का ना आप नीचे वाला लेंगे और जीतेगा कौन बताया जाएगा ठीक है तो एक 15 ग्रुप का लेंगे एक 16 का 16 ग्रुप का तो नीचे वाला लेंगे हम और 15 ग्रुप का फर्स्ट वाला लेंगे फिर देखते हैं कौन जीतता है वहाँ पर समझ जाओगे ना अच्छा है डाउट पूछना इसका डाउट लिखना चाहिए सर डाउट आएगा ना तब और ज़्यादा क्लियर होता है कोई पता है चलो फोन कॉल बार आईएससी पीएच फोन कॉल बार आईएससी पीएच बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हाँ फोन कॉल बार आईएससी पीएच फोन कॉल बार आईएससी पीएच आईएससी आयोडीन सल्फर पूरा प्योरिटी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है क्लोरीन उसके बाद होता है ऑक्सीजन उसके बाद होता है नाइट्रोजन फिर क्लोरीन ब्रोमीन है ना ये तीनों इक्वल होता है दोनों इक्वल होता है इसका होता है 2.5 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होता है 2.5 हालांकि मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि पहले से आप लोग याद करके रखना इसके पहले तो मैं आयन एफिनिटी बताऊंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताऊंगा है कि नहीं है ये सब बताया जाएगा उसके बाद ये सब पेन पर इस पहले याद करके सबको रख लेना है क्या करके रख लेना है तो मैंने पूरा पीरियड टेबल या करता हूँ मैंने हिस्ट्री शुरू किया था ना बता पाई ये गलत है भैया ये सही है भैया कि नहीं है चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना 3.5 होता है पीएच जो है ना फास्फोरस का हाइड्रोजन इसका होता है 2.1 होता है कोई दिक्कत फ्लोरीन का कितना होता है 4 होता है है ना एनसीएल का कितना होता है और बीआर का कितना होता है कौन बताएगा और ऑक्सीजन का कितना बीआर का 3 बीआर का 2.8 होता है एनसीएल का सेम होता है एनसीएल का मतलब कितना होता है भैया याद करना जरूरी है पूरा सिर्फ नहीं नहीं ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कुछ कारण से तो याद करवा रहे हैं डाटा दिए कुछ तो कारण होगा कुछ तो कारण होगा है ना कुछ देखो फिर दिलाना जैसे होगा ना टू एड क्या बोलते इलेक्ट्रॉन लॉस करता है टू एच नोवल का तो क्या फील आया अब याद था दिमाग में क्या था दिमाग में कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं कोई बगल नोवल एलिमेंट आ रहा है एटॉमिक रेडियस वाला फील आया कि नहीं है दो दो को बड़ा बड़ा सर्कल दिख रहा है इसमें फील आएगा क्योंकि सोचा है एससीएल जो होता है जिंदगी में तो पढ़ता हुआ क्लास 7 से सब एससीएल का नाम क्या होता है क्या नाम रहता है हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम ये क्यों नहीं बोलते हैं क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइडो क्लोराइडो हाइड्रोजन क्यों नहीं बोलते ऐसा वो रीजन है ना ऐसा क्यों बोलते हैं ठीक है देखिए वो लिखे हुए ना एच बी आर लिखते हैं क्या लिखते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखते हैं क्या लिखते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखते हैं है ना ब्रोमाइड हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखते ब्रोमाइड ब्रोमीन हाइड्राइड क्यों नहीं लिखते क्या नहीं लिखते ब्रोमीन हाइड्राइड क्यों नहीं लिखते कभी सोचे हो क्या ये सब यही क्यों होता है और सोचे रहते हैं सर आंसर चले कोई दिक्कत है इसी में ये आंसर छुपा हुआ है हिंट कर दे क्या थोड़ा सा कर दे
क्लोरीन का बताओ, फिर बता दो एनसीएल का एक्टर कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इसका तीन होता है, ठीक है, इसका कितना होता है ऑक्सीजन का 3.2 3.5 चेक करना 3.5 होता है कि क्या होता है, ठीक है। ये चार है, ये एनसीएल का तीन होता है, मतलब एनसीएल का सेम होगा तीन, ठीक है, और ब्रोमीन का 2.8 होगा, आईएससी का कितना 2.5 होगा, पीएच कितना 2.1 होगा। फोन कॉल बार आईएससी पीएच, फोन कॉल बार आईएससी पीएच, ब्रोमीन का चार, ऑक्सीजन का 3.5, एनसीएल का कितना होगा तीन होगा, और ब्रोमीन का कितना 2.8 होगा, आईएससी का 2.5 होगा, और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का कितना 2.1 होगा। क्लोरीन का कितना है तीन है ना, है कि नहीं है। हाइड्रोजन का कितना है 2.1 है ना, हाइड्रोजन का कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कम वाला को पहले लिखाता है और ज्यादा वाला को बाद में लिखाता है। आया समझ में ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना। अरे अभी तो बात हुई, तो मैंने शुरुआत की है ना, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे हस्तलिखित करते हैं।